तो दोस्तों स्वागत है आपका क्यूबिट गेमिट पे। और आज जो मैच हम खेलने वाले हैं वो होने वाला है राजस्थान रॉयल्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स वानखेड़े स्टेडियम में। तो इस स्टेडियम पे जो है मेरे खेलने पे रिकॉर्ड कुछ खास अच्छा रहा नहीं है, तो दोनों टीम्स जो है मैंने ये रखी है, लाइनअप जो रखी है ये रखी है। अगर आपको इसमें कोई चेंजेस कराने हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जो है आप सजेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट मैच में आपका सजेशन जो है सराखों पर रखा जाएगा। तो टॉस की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या जो है यहाँ पे टॉस राजस्थान रॉयल्स जीतती है या फिर लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ सुपर जायंट्स ने हेड्स कॉल किया है, केएल राहुल ने हेड्स कॉल किया है और ये टॉस उछल चुका है। टॉस जो है लखनऊ सुपर जायंट्स जीती है। क्या लेंगी लखनऊ सुपर जायंट्स, केएल राहुल क्या डिसीजन लेंगे, बैटिंग या बॉलिंग? बैटिंग का डिसीजन लिया है केएल राहुल ने, तो यहाँ पे गेंदबाजी करनी पड़ेगी राजस्थान रॉयल्स रजवाड़ों को जो है यहाँ पे गेंदबाजी करनी पड़ेगी। तो मैदान काफ़ी अच्छा वानखेड़े का, क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल जो है यहाँ पे मेरे ख्याल से शुरुआत करेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स की पारी की। काफ़ी मज़ा आने वाला है इस मैच में। तो दो काफ़ी तगड़ी टीम्स, लखनऊ सुपर जायंट्स का रिकॉर्ड अभी तक पहली बार खेल रहे हैं इस आईपीएल में, लेकिन रिकॉर्ड उनका बहुत ही तगड़ा रहा है। और उसी के साथ अंपायर्स और खिलाड़ी जो है मैदान पर आ चुके हैं राजस्थान रॉयल्स के। पहला ओवर जो है यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट जो है मेरे ख्याल से चालू करेंगे, न्यूजीलैंड के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है यहाँ पे, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं। और केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक भी मैदान पे आ चुके हैं इसी के साथ। तो मैं जो है पहली बॉल से पहले फील्ड में जो है बदलाव कर लेता हूँ ताकि एकदम परफेक्ट फील्ड रहे जो चाहिए हमें प्रेशर बनाने के लिए। तो पहली बॉल इसी के साथ स्ट्राइक पे है क्विंटन डिकॉक, बॉल डालेंगे ट्रेंट बोल्ट, देखते हैं क्या होता है पहली गेंद पे। आराम से सीधा फील्डर के पास, कोई रन नहीं मिलेगा क्विंटन डिकॉक को। अच्छी शुरुआत यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट की। अगली गेंद इसी के साथ राजस्थान रॉयल्स यहाँ पे चाहेगा कि कम टारगेट पे जो है निपटा ले लखनऊ सुपर जायंट्स, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स के पास जो है बॉलिंग काफी अच्छी है। एक रन जो है मिल जाएगा यहाँ पे और बहुत ही तगड़ा थ्रो, डायरेक्टेड लगी एकदम, अच्छा थ्रो ये, काफी सीधा आके विकेट पे लगी। स्ट्राइक पे जो है इसी के साथ केएल राहुल आ जाएंगे। पहली गेंद के एल राहुल फेस करेंगे यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट की, देखते हैं क्या होने वाला है। बढ़िया शॉट खेला, ये लेग साइड में फ्लिक किया है, दो रन के लिए जाएंगे, जाना नहीं चाहते हैं, एक पे जो है संतुष्ट कर लेंगे अपने आप को। तीन बॉलों में अभी तक दो रन आए हैं, तो काफी अच्छी शुरुआत यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स के लिए। कोई बड़ा शॉट नहीं लगा है, लेकिन बड़ा शॉट जो है ये दोनों कभी भी लगा सकते हैं, ज्यादा सोचेंगे नहीं, आपको मतलब पहले कोई वार्निंग थोड़ी देंगे बड़ा शॉट लगाने से पहले। एक खराब बॉल आई और एक बड़ा शॉट आ जाएगा एक ही बारी में। यहाँ पे जो है कम से कम गलती करनी है ट्रेंट बोल्ट को। अगली गेंद इसी के साथ, अभी तक बहुत अच्छी गेंदबाजी करी है, ये शॉट काफी अच्छा गैप में खेला है, लेकिन फील्डर वहां पे मौजूद है, एक रन मिल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आखिरी गेंद स्ट्राइक पे है क्विंटन डिकॉक, अभी तक जो है बढ़िया गेंदबाजी करी है ट्रेंट बोल्ट ने, देखते हैं आखिरी गेंद पे क्या होता है। ये बढ़िया शॉट खेला है, फील्डर वहां से दूर हो जाएगा और ये जो है चार रन मिल जाएंगे यहाँ पे। यही कह रहा था मैं, वार्निंग नहीं देने वाले यहाँ पे कोई, ये दोनों ही प्लेयर्स जो है काफी अच्छी क्षमता रखते हैं बड़े बड़े शॉट खेलने की। तो आपको जो है आप ही को जो है बिना गलती के बॉल डालनी पड़ेगी, वैसी जो है सिर्फ दो फील्डर बाहर रह सकते हैं 30 यार्ड के दायरे के। तो अगर आपने जो है हल्की फुल्की भी गलती करी तो गैप निकालना इन दोनों ही खिलाड़ियों को बहुत अच्छे से आता है। सिंगल ले लिया यहाँ पे केएल राहुल ने दूसरे ओवर की पहली गेंद पे, प्रसिद्ध कृष्णा जो है बॉल डालेंगे अब क्विंटन डिकॉक को। काफी अच्छी गेंद, सीधा जो है यहाँ पे प्लेयर के पास, हल्की सी मिसफील्ड हुई लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ उससे राजस्थान को। तो अच्छी गेंदबाजी, अच्छी शुरुआत यहाँ पे प्रसिद्ध कृष्णा की। क्विंटन डिकॉक एक बार फिर से फेस करेंगे प्रसिद्ध कृष्णा को, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं प्रसिद्ध कृष्णा। अगली गेंद इसी के साथ एक बार फिर से जो है यहाँ पे सेम डायरेक्शन में जो है पुश किया था, दो रन के लिए जाएंगे और आराम से जो है पूरा भी कर लेंगे। थ्रो खराब नहीं था लेकिन गैप में शॉट था, इस कारण से जो है दो रन मिल जाएंगे। अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे, बहुत ही अच्छा पुश किया था वहां पे एकदम गैप में। अगली गेंद इसी के साथ एक बार फिर से बढ़िया शॉट खेला और ये फील्डर के बीच से जो है चार रनों के लिए चली जाएगी, बिल्कुल गैप को जो है बढ़िया तरीके से डाइसेक्ट किया यहाँ पे क्विंटन डिकॉक ने। दूसरा फुल शॉट है ये उनका सेम तरीके का और रिजल्ट भी सेम ही है चार रनों के लिए, बहुत ही शानदार शॉट ये, क्या फुल शॉट खेला है, बॉल इतनी ज्यादा भी शॉर्ट नहीं थी लेकिन काफी अच्छा शॉट ये। अगली गेंद इसी के साथ देखते हैं क्या होता है।
रसित कृष्णा क्या वेरिएशन करेंगे जिससे कि जो है यहाँ पे प्रॉब्लम हो क्विंटन डिकॉक को। फिलहाल तो कुछ नहीं, पैर पकड़ के चल रहे हैं अभी तो, और एक ही रन आएगा इस बॉल पे। थोड़ा सा महंगा ओवर हो चुका है ये, 9 रन 8 रन इस ओवर से ऑलरेडी आ चुके हैं। देखते हैं आखिरी गेंद पे क्या होता है। रसित कृष्णा बॉल डालेंगे आखिरी गेंद जो है कोयल राहुल को, और देखते हैं यहाँ पे फ्लिक किया है और 2 रन के लिए जाएंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि बॉल जो है गैप में है और बॉल जब तक वापस आएगी तब तक 2 रन पूरे हो जाएंगे आराम से। तो 10 रन आते हुए इस ओवर से काफी अच्छा ओवर है लखनऊ के लिए, काफी अच्छा ओवर रहा है ये लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। पिछला ट्रेंट बोल्ट जो है दूसरे एंड से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे एक विकेट की दरकार है राजस्थान को। बढ़िया शॉट खेला है क्विंटन डिकॉक ने, एक बार फिर से जो है 2 रन के लिए नहीं जाएंगे, एक पे जो है सिमट जाएंगे। काफी अच्छी जो है गेंदबाजी जो है यहाँ पे अभी तक, मतलब पावर प्ले के हिसाब से जो है कोशिश तो पूरी कर दी है यहाँ पे, कंट्रोल करके रखे दोनों बल्लेबाजों को, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है दोनों को कंट्रोल करके रखना। यहाँ पे देखिए केएल राहुल का दिमाग से भरा हुआ शॉट, गैप में पुश किया, हल्के हाथों से पुश किया, ज्यादा बड़ा शॉट खेलने की कोशिश नहीं करी, जान नहीं डाली शॉट्स में, और इसी कारण से जो है 2 रन मिल भी गए उन्हें। अगली गेंद इसी के साथ देखते क्या होता है। ट्रेंट बोल्ट, ये खराब गेंद, खराब गेंद, दिशा से भटकी हुई गेंद डाली यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट ने, और वाइड हो जाएगी ये, ऐसे नहीं चलेगा आप, मतलब प्रेशर में नहीं आ सकते एक आधा अच्छे शॉट के कारण। अगली गेंद इसी के साथ ट्रेंट बोल्ट, देखते हैं ये भी काफी दिशा से भटकी हुई गेंद थी, लेकिन उसको गैप में यहाँ पे पुल कर दिया है केएल राहुल ने, 4 रन और मिल जाएंगे। काफी अच्छी जो है यहाँ पे बल्लेबाजी होती हुई लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाजों की तरफ से, और कप्तान तो यहाँ पे केएल राहुल, तो यहाँ पे क्या ही कहने होंगे। अगली गेंद देखते हैं इसी के साथ क्या होने वाला, क्या कोई वेरिएशन देखने को मिलेगी, देखते हैं। सीधा जो है यहाँ पे फील्डर के पास जो है बॉल थोड़ी सी दूर जाएगी, एक ही रन मिलेगा, ज्यादा कोई रन मिलेगा नहीं यहाँ पे इस ओवर में। ऑलरेडी जो है यहाँ पे 9 रन आ चुके हैं, देखते हैं अगली गेंद क्या होता है। स्ट्राइक पे आ गए हैं क्विंटन डिकॉक, सीधा फील्डर के पास, जी नहीं, गैप में शॉट पुश किया है, 2 रन के लिए जा रहे हैं, और फील्डर जितनी भी तेज दौड़ ले 2 रन लेने से नहीं रोक पाएगा बल्लेबाजों को। अगली गेंद इसी के साथ देखते हैं क्या होता है। ट्रेंट बोल्ट, थोड़ी सी वेरिएशन करी और उसी के साथ शॉट में भी वेरिएशन करी यहाँ पे क्विंटन डिकॉक ने, सिंगल के लिए जो है लॉग ऑफ रीजन में, लॉग ऑन रीजन में जो है पुश किया, एक सिंगल मिल जाएगा आराम से। प्रसिद्ध कृष्णा पहले ओवर में जो है उन्होंने 10 रन दिए थे, देखते हैं दूसरा ओवर जो है यहाँ पे कप्तान लेके आए हैं उन्हें, देखते हैं यहाँ पे क्या विकेट दिला सकते हैं जिसकी दरकार है कप्तान को। 3 ओवर 30 रन अभी तक तो जो है 10 के करीब के रन रेट से चल रहे हैं यहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट्स। अगली गेंद इसी के साथ प्रसिद्ध कृष्णा, क्विंटन डिकॉक फ्लिक किया है लेग साइड में, और इस बॉल पे जो है सिंगल मिलेगा ज्यादा से ज्यादा। जी हाँ दोस्तों, 3.2 ओवर्स में जो है 3.2 ओवरों में 31 में खेल रही है यहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट्स। केएल राहुल और डीकॉक जो है काफी आतिशबाजी ऑलरेडी कर चुके हैं, एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन यहाँ पे जो है ये क्या मजाक कर दिया भाई गेम ने, मतलब बॉल नीचे गिर गई उसके बाद जो है मेरे को कह रहे हैं कैच पकड़ लो भाई, बहुत सही मजेदार है, मतलब ये गेम जो हकता है ना बीच बीच में क्या ही बोले, देखा ही होगा आपने। और ये क्या वाइड बॉल हो जाएगी, नहीं वाइड बॉल नहीं होगी, बॉल फिर भी जो है उतनी अच्छी नहीं थी, ये दिशा से थोड़ी सी भटकी हुई थी, देखते हैं अगली गेंद पे जो है कैसे कंपनसेट करते हैं। बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, बड़ा शॉट खेलने जा रहे थे क्विंटन डिकॉक, पूरी तरीके से पीट हो गई। ये ओवर काफी अच्छा अभी तक, सिर्फ और सिर्फ 2 रन आए हैं इसमें, आखिरी गेंद देखते हैं क्या होता है। अभी तक बहुत ही बेहतरीन ओवर है प्रसिद्ध कृष्णा का। ये हवा में बॉल है, फील्डर नीचे मौजूद है, और एक बार फिर से जो है मुझे मौका नहीं दिया यहाँ पे कैच पकड़ने का, बहुत सही, 2 चांस क्रिएट हुए और दोनों जो है छूट गए वहां पर। ट्रेंट बोल्ट थोड़े से 2 ओवरों में महंगे रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है कप्तान उन पे भरोसा करके जो है कंटिन्यू कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। अच्छा शॉट ये लेग साइड में फ्लिक किया यहाँ पे क्विंटन डिकॉक ने, पिछले ओवर में जो है एक चांस मिस किया यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स ने, कैच छोड़ा क्विंटन डिकॉक का,
कितना भारी पड़ेगा वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा, लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है मदद मिल रही है बॉलिंग को राजस्थान रॉयल्स की। और ये अच्छा फ्लिक है, पुश किया है, दूसरे के लिए जा रहे हैं, क्या रनआउट का चांस क्रिएट हो सकता है, डायरेक्ट हिट होती तो शायद मुश्किल हो जाती केएल राहुल को, लेकिन फिलहाल तो 2 रन मिल गए हैं। केएल राहुल अच्छी बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल भी रिस्क लेने में इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे, और उसी वजह से जो है एक बार फिर से बड़ा शॉट खेला है, इस बार फील्डर नीचे मौजूद है, क्या इस बार तो मौका दे रहे हो, और यहाँ पे कैच पकड़ लिया है, क्या पकड़ा है, नहीं पकड़ा है, अरे छक्का मार, बाउंड्री के बाहर जाके लगान वाला सीन हो गया दोस्तों, ये बाउंड्री के बाहर जाके जो है वो कैच पकड़ रहा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत सही, अच्छा शॉट, ये फ्लिक किया, एक ट्रेंट बोल्ट का एक और महंगा ओवर आता हुआ, पिछले कुछ मैच से जो है ट्रेंट बोल्ट का जो है बॉलिंग में जो है उतनी धार दिख नहीं रही है, देखते हैं अगली बॉल इसी के साथ, 2 बॉलें रह गई हैं इस ओवर की, 30 रन अभी तक दे चुके हैं अपने 2.4 ओवर्स में ट्रेंट बोल्ट, दूसरे के लिए जाएंगे नहीं जाएंगे, 31 कर लिए जो 2.5 में, मेरे ख्याल से ट्रेंट बोल्ट से एक ओवर जो है बाद में डलवाना चाहिए, क्योंकि पिछले 2-4 मैच से जो है पावर प्ले में काफ़ी महंगे रहे हैं, लेकिन बाद में काफ़ी अच्छा जो है उन्होंने प्रदर्शन दिखाया, ये अच्छा शॉट है, गैप में है और 2 रन मिल जाएंगे आराम से, बढ़िया ओवर रहा ये, 14 रन आए हैं इस ओवर से, प्रसिद्ध कृष्णा दूसरे एंड से कंटिन्यू करेंगे, पिछला अच्छा ओवर डाला था इन्होंने, 2 चांसेस भी क्रिएट करके दिए थे, इसलिए जो है एक और चांस क्या क्रिएट कर दिया है, जी हाँ दोस्तों एक विकेट मिल गया है यहाँ पे, प्रसिद्ध कृष्णा ने जो है अपनी प्रसिद्धि में एक और चांस लगा दिया, एक और विकेट लेके, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे थे, पिछले ओवर में 2 चांसेस क्रिएट हुए थे लेकिन इतना जो है मौका नहीं मिल पाया, मतलब वो चांस को जो है कैपिटलाइज नहीं कर पाई राजस्थान रॉयल्स, लेकिन यहाँ पे जो है आसान सा विकेट गिर गया, और क्विंटन डीकॉक का कैच ड्रॉप हुआ था लेकिन उसके बाद जो है ज़्यादा घातक साबित हो नहीं पाए वो, तो अच्छी बात है ये राजस्थान रॉयल्स के लिए, थोड़ा सा जो है स्लो भी खेल रहे थे क्विंटन डीकॉक, 19 बॉलों में 21 पे, मतलब अपने जो पर्सनैलिटी है उससे एकदम विपरीत, मनीष पांडे आए बैटिंग करने के लिए, इसी के साथ देखते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, अगली गेंद प्रसिद्ध कृष्णा, पहली बॉल खेलेंगे मनीष पांडे, बड़ा शॉट खेल दिया है और उसको बाउंड्री पार जाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा क्योंकि फील्डर ही नहीं है वहां पर मौजूद, तो कैसे कोई रोकेगा, काफी अच्छा शॉट ये मनीष पांडे ने आती जो है एक बड़ा शॉट खेल दिया है, प्लान जो था एकदम सेम टू सेम फॉलो कर रहे थे जो क्विंटन डीकॉक के साथ फॉलो किया, लेकिन मनीष पांडे के जो है इरादे कुछ और हैं, अगली गेंद इसी के साथ, इस बार एज लगा है, फील्डर मौजूद है वहां पे और एक सिंगल मिल जाएगा बहुत ही आराम से, फिर भी अच्छा ओवर आता हुआ ये एक विकेट मिलता हुआ राजस्थान को, स्ट्राइक पे जो है यहाँ पे अब आ गए हैं, अच्छा केएल राहुल थे यार स्ट्राइक पे, मनीष पांडे तो अब आए हैं, बढ़िया गेंद प्रसिद्ध कृष्णा की, अबे यार ये कहाँ भाग रहा है, क्या हो गया है, कहाँ भाग रहा है देखना, मतलब भाई नशे हो जाते हैं भाई गेम में इनको, नशे पूरे एकदम, बॉल कहाँ है वो कहाँ भाग रहा है, मतलब भाग मिलका भाग बन गया एकदम, अगली गेंद इसी के साथ प्रसिद्ध कृष्णा की, ये बढ़िया शॉट, बॉल हवा में है और क्या एक और कैच मिल जाएगा, जी हाँ दोस्तों एक और विकेट मिल गया है, प्रसिद्ध कृष्णा ने आती जो है यहाँ पे 2 विकेट गिरा दी, और ये भी बड़ा विकेट है, केएल राहुल का विकेट है मेरे ख्याल से, ये बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी प्रसिद्ध कृष्णा की, यहाँ पे मजा ही आ गया, स्लोअर बॉल का जो है अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, ज्यादा पेस नहीं दे रहे हैं अपनी बॉल पे, इसी कारण से जो है एक बार फिर से जो है कंफ्यूज हुए बल्लेबाज, और ये बहुत ही आसान सा कैच फील्डर के लिए, बहुत ही आसान सा कैच, केएल राहुल के रूप में दोनों ओपनर्स को जो है वापस भेज दिया है लखनऊ के, और कप्तान को वापस भेज दिया है, 15 बॉल में 29 रन बना चुके थे अभी तक, काफी अच्छे दिख रहे थे, दीपक हुड्डा आए हैं यहाँ पे बैटिंग करने के लिए, प्रसिद्ध कृष्णा का आखिरी बॉल होगी ये पावर प्ले की भी और उनके तीसरे ओवर की भी, एक बार फिर से बड़ा शॉट खेला है ये जो है छक्के के लिए जाएगा, और बहुत ही अच्छा शॉट है मनीष पांडे का, काफी बड़ा शॉट लगाया और पावर प्ले खत्म होता है इसी के साथ, 2 विकेट गिरे पावर प्ले में, अब जो है यहाँ पे चेंज कर ली जाए,
फील्डिंग चेंज कर ले जाए, मतलब बॉलर को चेंज करना ही है। करंट बोल्ड से जो है और ओवर नहीं डलवाएंगे। युजवेंद्र चहल हैं हमारे पे, अश्विन है, और इन दोनों का इस्तेमाल बढ़िया से करना पड़ेगा। और साथ ही साथ नेथन फिल्टर नायल है, ठीक है, 5 बॉलर से काम हो जाएगा, उन्हें और की जरूरत है। चेंज ऑफ बॉलिंग, द कैप्टन इज गोइंग विद द मीडियम पेसर। नेथन कुल्टर नायल जो है यहाँ पे बॉल डालने के लिए आए हैं, पहली बॉल डालेंगे, देखते हैं क्या होता है। अच्छा शॉट खेला है यहाँ पे लॉग ऑन की दिशा में, और यहाँ पे लॉग ऑन नहीं, मिड ऑन की दिशा में पीछे था फील्डर, और उस वजह से जो है एक सिंगल मिल जाएगा यहाँ पे दीपक हुड्डा को। खाता खुल गया है दीपक हुड्डा का, स्ट्राइक पे है मनीष पांडे, और ये बॉल लीव कर दी। टेस्ट मैच नहीं खेल रहे भैया, भूल गए का, बॉल को जाने दिया विकेट कीपर के पास। देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग अप्रोच यहाँ पे मनीष पांडे का, पिछले ओवर में छक्का लगाया था, और इस बार जो है यहाँ पे अच्छा शॉट सीधा फील्डर के पास, बढ़िया कट था, लेकिन कोई रन नहीं मिलेगा। थोड़ा सा मेरे ख्याल से बॉल को जो है अंदर लेके आए यहाँ पे, क्योंकि रूम मिलेगा तो मनीष पांडे को ज़्यादा देर तक रोकना आसान रहेगा नहीं। ये अच्छी गेंद, सिंगल मिलेगा यहाँ पे आराम से मनीष पांडे को। नेथन कुल्टर नायल यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी करते हुए, अगली गेंद इसी के साथ स्ट्राइक पे है दीपक हुड्डा, बड़े बड़े शॉट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं। ये अच्छा शॉट खेला है एकदम सीधा मिड ऑफ की दिशा, नहीं मिड ऑन जो है आगे यहाँ पे फील्डर, बॉल को उठा लिया उन्होंने और कीपर तक पहुँचा भी दिया टाइम से। अभी तक काफ़ी अच्छा ओवर, ये 3 रन आए हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। राजस्थान खुश होगी इस ओवर से अभी तक, देखते हैं आखिरी गेंद पे क्या होता है। आखिरी गेंद जो है डॉट बॉल हो जाएगी, तो 7 ओवर के बाद 61 पे 2 लखनऊ सुपर जायंट्स। प्रसिद्ध कृष्णा जी आपने बहुत अच्छा काम किया है पावर प्ले में, अब जो है आप थोड़ा आराम कीजिए, मैं जो है अश्विन को लेके आता हूँ, और अश्विन और चहल से डलवाएंगे कुछ ओवर, देखते हैं मजा सा आएगा। स्पिन की फील्ड सेट कर दी जाए जरा मजेदार सी एकदम, बाकी जितना बड़ा लंबा शॉट ये खेले सीधा जो है फील्डर नीचे हो और कैच वैच हो जाए, मजेदार एकदम मजा ही आ जाएगा। तो अश्विन के हिसाब से जो है ये फील्ड बढ़िया रहनी चाहिए मेरे ख्याल से, और दोनों के हिसाब से बढ़िया रहेगी ये, थोड़ा लेग साइड में प्रोटेक्टेड फील्ड, बट बड़ा शॉट यार अगर सामने लगाया तो यहाँ पे सामने की तरफ जो है आराम से एक चौका मिल जाएगा। थोड़ा सा जो है इसमें चेंजेस की जरूरत, फील्ड तो लेग साइड के हिसाब की ही चाहिए, लेकिन ऐसी चाहिए तो थोड़ा लॉग ऑफ लॉग ऑन दोनों प्रोटेक्ट कर ले। हाँ ये थोड़ी सी बेटर लग रही है मुझे, थोड़ी सी खुली फील्ड है, लेकिन इससे बेटर कुछ मिलेगा क्या? ये फिलहाल के लिए तो ये बढ़िया लग रही है, जाके देखते हैं। तो अश्विन जो है यहाँ पे बॉल डालने के लिए आए, स्ट्राइक पे है दीपक हुड्डा, और पहली गेंद इसी के साथ यहाँ पे हवा में शॉट खेल दिया है, फील्डर मौजूद है वहां पे, दूसरे के लिए नहीं जाएंगे, 1 रन मिल जाएगा आराम से। हवा में शॉट खेला वो थोड़ी देर के लिए, सांस तो अटक गई होगी यहाँ पे दीपक हुड्डा की। अगली गेंद इसी के साथ एक बार फिर से हवा में शॉट, फील्डर आ रहे हैं, यहाँ पे 2 रन मिलने का चांस है, नहीं भागेंगे नहीं भागेंगे, अच्छी फील्डिंग, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। अगली गेंद इसी के साथ देखते हैं, रविचंद्रन अश्विन अच्छी गेंदबाजी करते हुए, बड़ा शॉट खेल दिया है, फील्डर वहां पे मौजूद नहीं है, और चौका मिल जाएगा यहाँ पे, क्राउड ऐसे तालियां हो जा रही जैसे चौका नहीं सिंगल आया हो। बहुत ही अच्छा शॉट ये, आराम से कवर्स के ऊपर से जो है 4 रन के लिए बॉल पहुंचा दी। तो दीपक हुड्डा का बहुत ही अच्छा शॉट, हल्की सी विनिशन करी थी वहां पे रविचंद्र अश्विन ने, लेकिन वो जो है उन्हीं के अगेंस्ट चली गई, ये सीधा फील्डर के पास, कोई रन नहीं मिलेगा, अच्छी वापसी चौका खाने के बाद। अगली गेंद देखते हैं इसी के साथ क्या होने वाला है, रविचंद्रन अश्विन विकेट चाहिए होगा यहाँ पे कप्तान को उनसे, और ये बढ़िया फ्लिक किया है, फील्डर मौजूद है वहाँ पे, जब तक पहुँचेगा तब तक जो है, अरे ये जो है गलत एंड पे थ्रो कर दिया है, बैटिंग एंड पे थ्रो आता तो यार विकेट मिल जाता यहाँ पे, बहुत ही गंदा थ्रो ये, वाहियार थ्रो मैं तो कहूँगा इसे। 8 रन आ चुके हैं अभी तक रविचंद्रन अश्विन के इस ओवर में, देखते हैं आखिरी गेंद पे क्या होता है।
आखिरी गेंद पे एक सिंगल आएगा आराम से। 9 रन आए रविचंद्रन अश्विन के इस ओवर से, देखते हैं अगला ओवर कौन डालेगा। मेरे हिसाब से चहल बढ़िया रहेंगे, लेकिन फील्ड जो है ये उतनी बढ़िया नहीं है मेरे ख्याल से चहल वहल से बॉल डलवाने के लिए। कुछ मतलब थोड़ी और बढ़िया वो फील्ड होनी चाहिए। आराम से सिंगल विंगर निकल जा रहे हैं, प्रेशर आएगा नहीं तो फिर ज़्यादा कुछ दिक्कत होगी नहीं। अच्छा स्वीप शॉट के लाए, सिंगल के लिए जा रहे हैं, जी हाँ नहीं डबल के लिए जाना चाह रहे थे, सिंगल के लिए तो चली गए, वैसे थोड़ी सी गलती होगी मेरे से। फील्ड बदलो यार, मज़ा नहीं आ रहा इसमें, आराम से सिंगल डबल निकल जा रहा है, प्रेशर कैसे बनेगा। लेग साइड की फील्ड खुल जाती है यार इसमें, ये रख के देखूं क्या फील्डर वहां पे मौजूद रहेगा, शायद एक सिंगल रोक ले। अरे यार ये तो वैसे भी पेस के लिए है यार, चहल के लिए मेरे ख्याल से ये बेहतर फील्ड है वैसे ऑफ साइड में प्रोटेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो, थोड़ा सा लेग साइड में प्रोटेक्शन मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा ऑफ साइड में साला। हाँ ये शॉट भी तो बहुत खेला जाता है, ये बेहतर फील्ड थोड़ी है चहल के लिए, ये ट्राई करते हैं जरा। अगली गेंद इसी के साथ चहल, फील्ड बदलने के बाद सीधा जो है फील्डर के पास, तो फील्ड बदलने से थोड़ा सा यहाँ पे फायदा होता हुआ राजस्थान को। कोशिश यहाँ पे यही है कि रनों में जो है थोड़ी सी लगाम लगाई जाए। अगली गेंद इसी के साथ, बड़ा शॉट खेला है, फील्डर वहाँ पे है नहीं, और ये जो है पूरी तरीके से एक चौका मिल जाएगा आराम से मनीष पांडे को। वो जो रीजन है एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, इसका जो है अंदाज़ा होना चाहिए था यहाँ पे युजवेंद्र चहल को, इसके कारण जो उन्होंने जो फुल लेन डिलीवरी डाली है उसको जो है मेरे ख्याल से थोड़ा सा जो है पीछे खींचे तो शायद दिक्कत होगी यहाँ पे बल्लेबाज को। अगली गेंद इसी के साथ, बढ़िया शॉट खेला है, स्वीप शॉट खेला है, 2 रन के लिए जाएंगे और आराम से जो है लग रहा है पूरा भी कर लेंगे। एक रन आउट का चांस क्रिएट हो रहा है यहाँ पे और डायरेक्ट के कारण हो भी जाएगा, बढ़िया थ्रो के कारण जो है यहाँ पे एक रन आउट हो गया है, फ्रेम में भी नहीं पहुंचे थे किसी एंगल से, और मनीष पांडे का जो है यहाँ पे एक बड़ा विकेट मिल जाएगा राजस्थान को। बहुत ही बढ़िया थ्रो, ये डीप से जो है इतना बढ़िया थ्रो डायरेक्ट जो है विकेट पे लगता हुआ, ये देखिए शानदार थ्रो कितनी दूर से आया और डायरेक्ट विकेट पे, बहुत ही बढ़िया। 13 रन बनाए उन्हें 10 बॉलों में, मनीष पांडे का बड़ा विकेट मिलता हुआ। मार्कस स्टॉइनिस आए हैं यहाँ पे बल्लेबाजी करने के लिए, पहली गेंद देखते हैं क्या डालेंगे चहल इनको, सीधा जो है फ्लिक कर दिया उन्होंने भी सेफ डायरेक्शन में, 2 रन के लिए जाएंगे, जाना चाह रहे थे फिर रोक लिया, पिछली बॉल पे भी जो है ऐसे रन आउट हो गया था, तो अच्छा डिसीजन मेरे ख्याल से यहाँ पे। अगली गेंद देखते हैं इसी के साथ, युजवेंद्र चहल सीधा जो है फील्डर के पास बॉल जाएगी, कोई रन नहीं मिलेगा, बेहतर ओवर है। अश्विन जो है बॉल डालने के लिए आए हैं यहाँ पे और देखते हैं क्या होता है, सीधा जो है फील्डर के पास बॉल चली जाएगी, एक सिंगल जो है आराम से मिल जाएगा। रन रेट जो है अभी भी जो है 8.5 के जो है करीब चल रहा है यहाँ पे आराम से, तो लेकिन विकेट जो है 3 गिर चुके हैं, 1-2 विकेट आ गए तो यहाँ पे जो है रन रेट में भी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। ऊपर से बॉलिंग यहाँ पे अच्छी हो रही है, एक और डॉट बॉल जो है अश्विन ने यहाँ पे डाली। अगली गेंद देखते हैं इसी के साथ, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, फील्डर मौजूद है वहां पे, दूसरे के लिए जा रहे हैं और डायरेक्ट हिट, एक बार फिर से हो जाए तो मजा ही आ जाता, लेकिन हुई नहीं, कोई नहीं हर बार नहीं होती है, और लेकिन रन ये बहुत ही ज्यादा रिस्की था, 2 रन आए उस बॉल पे। अगली गेंद देखते हैं इसी के साथ, अश्विन की स्वीप शॉट खेला है, गैप में खेला है, एक बार फिर से जो है 2 रन के लिए जाएंगे, चले भी गए हैं, एक और डायरेक्ट हिट चाहिए यहाँ पे, फिर से जो है बच गए, 2-2 रन करके जो है स्कोर को आगे बढ़ा रहे हैं। अश्विन को जो है अपना जो है यहाँ पे प्लान जो है उसमें थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा, एक बार फिर से क्या 2 रन मिलेंगे, नहीं 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 एक पे ही जो है रुक जाएंगे, लेंथ खींची इस बार अश्विन ने, इस कारण से जो है आखिरी गेंद है
देखते हैं अश्विन क्या करते हैं। अच्छी गेंद थी, पुश किया उसे मिड ऑन की दिशा में, सिंगल मिल जाएगा आराम से। थोड़ा सा महंगा ओवर ये, 7 रन आए, मतलब इतना ही महंगा नहीं, लेकिन हाँ अश्विन के स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है अभी तक ना ज्यादा विकेट निकाल पा रहे हैं वो। सीधा फील्डर के पास, अच्छी शुरुआत यहाँ पे चहल की। अगली गेंद देखते हैं इसी के साथ, बड़ा शॉट खेला है, फील्डर वहां पे मौजूद है, जब तक पहुंचेंगे तब तक जो है यहाँ पे 2 रन आराम से पूरे हो जाएंगे। अगली गेंद देखते हैं इसी का, चहल ने जो है यहाँ पे साइड बदली, और देखते हैं साइड बदलने से जो है क्या फर्क पड़ता है। सीधा जो है एक बार फिर से पुश कर दिया है, 2 रन के लिए जा रहे हैं और आराम से पूरा कर लेते, नहीं किया, भागा ही नहीं, एक पे ही रुक गए। चहल ने जो है एक बार फिर से यहाँ पे साइड चेंज करी है, देखते हैं इसका जो है क्या फायदा मिलता है उन्हें। बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, फील्डर मौजूद है वहां पे और आराम से जो है 2 रन, नहीं दूसरे के लिए जा रहे थे फिर रुका, तो 2 को 1 में बदल लिया है यहाँ पे साइड चेंज करने के बाद। अगली गेंद देखते हैं इसी के साथ, बड़ा शॉट एक बार फिर से गैप में है ये, 2 रन के लिए जाएंगे, जी नहीं एक ही मिलेगा। अश्विन अच्छी गेंदबाज, अश्विन नहीं चहल जो है अच्छी गेंदबाजी करते हुए सिग्नल से ऊपर जाने नहीं दे रहे, लेकिन यहाँ पे जो है दरकार है विकेट की, क्योंकि अगर विकेट नहीं आया तो ज्यादा देर तक जो है ये रन रोकना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा शॉट, ये हवा में खेला हुआ शॉट, फील्डर के आगे जो है एक बाउंस जो है होके जो है बॉल पहुंची फील्डर तक, तो कोई आउट या विकेट लेने का जो है मौका मिला नहीं। अश्विन कंटिन्यू करेंगे दूसरे एंड से, फिर से जो है शॉट खेल दिया है, डबल के लिए जा रहे हैं और दूसरे एंड से जो है थोड़ा सा जो है डिले था यहाँ पे, लेकिन आराम से पहुंच गए। यार ऐसे डबल सिंगल में जो है मजा नहीं आता है, फील्ड में जो है मतलब फील्ड में जो है कुछ बदलाव की जरूरत है, रन मिलेगा नहीं, आराम से सिंगल लेते रहेंगे फिर जो है एंड में जो है मारने लग जाएंगे। अश्विन के लिए ये फील्ड ना, ये फील्ड से ट्राई करते हैं, दोनों के लिए चल जानी चाहिए, लेकिन अगर लेग साइड में बड़ा शॉट खेला तो चौके के लिए जाएगा सीधा। चलो फिर ये ट्राई करते हैं, इसमें ऑफ साइड में दिक्कत है, लंबा लंबा शॉट खेल लेगा। ये ट्राई करते हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है। अश्विन ने यहाँ पे फील्ड में बदलाव किया है, देखते हैं क्या होता है। और बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, अच्छे से कटाया और काटी उस गेंद को, बहुत ही बढ़िया गेंद थी अश्विन की। इस बार जो है सीधा फील्डर के पास, बढ़िया गेंदबाजी होती हुई अश्विन की तरफ से यहाँ पे। ये फील्ड सेटिंग जो है मेरे ख्याल से चहल को भी काफी फायदा करेगी। आउट ही हो गया है यहाँ पे, विकेट मिल गया है यहाँ पे अश्विन को दीपक हुड्डा का। बढ़िया गेंद, 2 डॉट बॉले और उसके बाद जो है तीसरी पे जो है दीपक हुड्डा का विकेट, बेहतरीन यहाँ पे गेंदबाजी अश्विन की तरफ से। यही जो है देखने को जो है मतलब मैं चाह रहा था कि ये देखने को मिले, क्योंकि आराम से सिंगल डबल ले लेके जो है स्कोर उड़ा के बढ़ा जा रहा था, लेकिन कोई प्रेशर नहीं क्रिएट हो रहा था। 2 डॉट बॉले आई और तीसरी पे बड़ा शॉट खेलने गए दीपक हुड्डा और सीधा जो है कैच पकड़ा लिया जॉस बटलर को। 19 बॉलों में 20 रन बना के वापस जाएंगे। लेफ्ट हैंडर आए हैं यहाँ पे कुणाल पांड्या बैटिंग करने के लिए, स्ट्राइक पे रहेंगे कुणाल पांड्या। अश्विन बॉल डालेंगे, देखते हैं पहली बॉल पे क्या विकेट मिल गया है। यहाँ पे सीधा बॉल जो है पैड पे लगी है, मेरे ख्याल से बाहर होगी ऑफ स्टंप के, ना चैलेंज लेने का मतलब पूरी बाहर डाली है। अगली गेंद इसी के साथ, बढ़िया गेंदबाजी होती है अश्विन की तरफ से इस ओवर में। बड़ा शॉट खेला है, फील्डर वहां पे मौजूद है, लेकिन जब तक पहुंचेगा तब तक 2 रन मिल जाएंगे आराम से। बढ़िया ओवर रहा ये, बहुत ही बढ़िया ओवर। चहल जो है कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे दूसरे एंड से,
और देखते हैं क्या एक विकेट चहल को भी मिल सकता है। बढ़िया शॉट खेला है, हवा में खेला है, गैप में भी खेला है, दूसरे के लिए जा रहे हैं, नहीं जाएंगे, पहुंच गया फील्डर वहां पे। इसी के साथ कृणाल पांड्या स्ट्राइक पे आ गए हैं और देखते हैं चहल जो है, बढ़िया शॉट खेला है, आराम से ड्राइव कर दिया है, सिंगल के लिए नहीं डबल मिल जाएगा यहाँ पे आराम से। थोड़ी सी विड्थ ज्यादा दे दी थी वहां पे मेरे ख्याल से चहल ने, जिस कारण से जो है आराम से उसे ड्राइव कर दिया। बड़ा शॉट खेलने गए इस बार, पूरी तरीके से बीट कृणाल पांड्या। अगली गेंद देखते हैं इसी के साथ, गेम में मजा आ रहा है। बढ़िया शॉट खेला है, फील्डर मौजूद है वहां पे, एक रन के साथ ही जो है संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बैट्समैन को। चार रन आ चुके हैं इस ओवर में चार बॉलों में, देखते हैं क्या होता है अगली कुछ गेंदों में। बढ़िया शॉट खेला है, गैप में निकाल दिया है, सिंगल के लिए जो है आराम से 99 पे पहुंच गया स्कोर इसी के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स का। स्ट्राइक पे है कृणाल पांड्या, चहल से एक विकेट की उम्मीद है। ये बड़ा शॉट खेला है, फील्डर मौजूद है वहां पे, दो रन के लिए नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, एक ही रन मिलेगा, 100 रन पूरे हो जाते हैं इसी के साथ लखनऊ के 13 ओवरों के बाद। अश्विन जो है यहाँ पे गेंद बच करेंगे, आखिरी ओवर होगा ये इनका अश्विन का, और अच्छी शुरुआत डॉट बॉल से जो है शुरुआत करी। लेकिन देखते हैं इसी के साथ क्या बड़ा शॉट आने वाला है। कृणाल पांड्या को ज्यादा देर तक शांत रखना आसान नहीं रहता है, लेकिन फिलहाल तो जो है एक सिंगल ही मिलेगा। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे होती हुई अश्विन की तरफ से, एक और विकेट मिल जाएगा जाते जाते तो कप्तान जो है खुशी से जो है एकदम कूद पड़ेंगे एकदम ही। बढ़िया गेंदबाजी अभी तक तो जो है, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करी है इस ओवर में। अगली गेंद देखते हैं, बड़ा शॉट खेला है, फील्डर मौजूद नहीं है वहां पे, जब तक पहुंचेगा तब तक जो है चौका निकल जाएगा आराम से। बढ़िया शॉट इस टोइनिस की तरफ से, थोड़ी सी विड्थ दी थी यहां पे, उसका जो है पूरी तरीके से फायदा उठाया चार रन मारने के लिए स्टोइनिस ने, बेहतरीन शॉट है कवर्स के ऊपर से चौका खेल लिया। अगली गेंद देखते हैं इसी के साथ, अगली गेंद लाइन में चेंज किया और इस बार जो है लेग स्टंप पे चौका निकल जाएगा। कंटिन्यू रखना चाहिए था मेरे ख्याल से अश्विन को उसी लाइन पे, लेकिन यहाँ पे वो लाइन चेंज करी, स्टंप्स पे आए और ये एक और बढ़िया शॉट स्टोइनिस का, गैप में चार रनों मिले। अगली गेंद देखते हैं क्या करते हैं अश्विन, शुरुआत अच्छी हुई थी इस ओवर की लेकिन अंत जो है 10 रनों पे होगा। बढ़िया ओवर है, 10 रन आए इससे। एंड ऑफ द 14th ओवर, द बैटिंग टीम आर नाउ 110 फॉर 4। चहल जो है कंटिन्यू करेंगे दूसरे एंड से, इनका भी जो है आखिरी ओवर होने वाला है, फील्डर मौजूद है वहां पे और एक सिंगल मिल जाएगा आराम से। चहल ने जो है अभी तक तो कोई विकेट नहीं लिया है, ये बात जो है अच्छी नहीं लग रही है यहाँ पे। विकेट निकाल लीजिए चहल, जाते जाते एक बीट किया, बेहतरीन गेंद, बड़ा शॉट लगाने जा रहे थे कृणाल पांड्या, पूरी तरीके से जो है बीट हो गए फ्लाइट से। अगली गेंद देखते हैं इसी के साथ, बड़ा शॉट खेला है, फील्डर जब तक पहुंचेंगे चौका निकल जाएगा एक और। हल्का सा रूम देंगे आप कृणाल पांड्या को तो वो तो ऐसे ही बढ़िया शॉट खेलेंगे, शानदार शॉट है कवर्स के ऊपर से चार रनों के लिए। यहाँ पे जो है साइड बदली है उन्होंने यहाँ पे चहल ने, देखते हैं अब क्या फर्क पड़ता है इससे। फिर से बॉल गैप में गई और फिर से चौका मिल जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ा साइड बदलने से। पिछले ओवर में दो चौके लगे, इस ओवर में फिर से जो है दो चौके लग चुके हैं। कृणाल पांड्या यहाँ पे अटैक करने को देख रहे हैं पूरी तरीके से। अगली गेंद देखते हैं इसी के साथ क्या होता है। बढ़िया शॉट खेला है, फील्डर के सर के ऊपर से फाइन लेग शॉट, फाइन लेग के सर के ऊपर से जो है चार रन का बढ़िया शॉट। ये कोई यहाँ पे जो है जवाब नहीं है इन शॉट्स का चहल के पास। आखिरी गेंद देखते हैं क्या होने वाला है। अच्छा स्वीप खेला है यहाँ पे, गैप में खेला है, फील्डर जब तक पहुंचेंगे तब तक दो रन मिल जाएंगे,
खराब गेंदबाज है यहाँ पे, 15 रन आए इस ओवर से। नेथन कुल्टर नायल को जो है यहाँ पे वापस लेके आए हैं कप्तान, और देखते हैं यहाँ पे क्या विकेट गिरा पाते हैं या रनों पे रोक लगा पाते हैं, क्या होगा पता लगेगा यहाँ पे, पता लगूंगा अगली गेंद इसी के साथ। नेथन कुल्टर नायल एज लगा पहली बॉल पे और सीधा जो है फील्डर के पास, यहाँ पे बॉल और मिस फील्ड हो जाती लेकिन सही टाइम पे जो है कवर अप कर लिया। अच्छी गेंद, अच्छी शुरुआत मार्कस स्टोइनिस, 15 बॉलों में जो है 19 पे खेल रहे हैं। बड़े शॉट लगने जो है बहुत जल्द यहाँ पे चालू हो जाएंगे क्योंकि आखिरी 5 ओवर का खेल जो है बचा है अभी इस समय। और अगली गेंद देखते हैं इसी के साथ, नेथन कुल्टर नायल पहले ओवर में काफी इकोनॉमिकल रहे थे, बढ़िया शॉट खेला, ये सिंगल भी नहीं मिलेगा इस बॉल पे, बढ़िया गेंदबाजी होती हुई। अगली गेंद इसी के साथ देखते हैं, अभी तक बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करी है, एज लगा और कैरी नहीं हुआ विकेट कीपर तक, 4 लगातार डॉट बॉल, बेहतरीन गेंदबाजी होती हुई यहाँ पे नेथन कुल्टर नायल की तरफ से, बिल्कुल भी जो है पेस नहीं दे रहे हैं और पेस नहीं जा रही, इस कारण से जो है रन मारने का जो है उतना आसानी से मौका मिल नहीं रहा है। दूसरे रन के लिए नहीं जाएंगे, एक ही रन मिलेगा, 5वीं बॉल पे भी जो है एक ही रन आया। आखिरी गेंद है ये इस ओवर की, स्ट्राइक पे है कुणाल पांड्या, बड़ा शॉट लगाने की देखेंगे या नहीं, जी नहीं, नहीं लगा पाएंगे, एक रन आया 16वें ओवर से। बढ़िया ओवर रहा ये, सिर्फ और सिर्फ एक रन आया उस ओवर से। ट्रेंट बोल्ट का जो है ओवर खत्म करेंगे यहाँ पे, 11 की इकोनॉमी में से जो अभी तक उन्होंने बॉल डाली है, और ये वाइड से शुरुआत करेंगे यहाँ पे। खराब गेंदबाजी, ट्रेंट बोल्ट के जो है आजकल दिन ही खराब चल रहे हैं, जितना बड़ा उनका नाम है उस हिसाब से जो है उनकी गेंदबाजी नहीं हो रही है। अगली गेंद इसी के साथ, बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, विट दी लेकिन पूरी तरीके से बीट कराओ वहां पे पेस से मार्कस टोनिस को। अगली गेंद देखते हैं उसी के साथ, ये बढ़िया शॉट खेला है, पिछली बारी बच गए थे लेकिन इस बार जो है इस बार नहीं छोड़ेंगे मार्कस टोनिस, रूम दिया आपने उनको पूरा, और बढ़िया कट शॉट खेला है यहाँ पे 4 रनों के लिए। थोड़ी सी बॉल में जो है यहाँ पे वेरिएशन करनी पड़ेगी ट्रेंट बोल्ट को। अगली गेंद देखते हैं इसी के साथ, क्या कुछ सुधार करते हैं, बढ़िया शॉट खेला ये, 2 रन के लिए यहाँ पे आराम से जो है चले जाएंगे क्योंकि कैप में शॉट था ये, बढ़िया थ्रो सीधा एकदम विकेट पे आके, महंगा ओवर साबित होता है, अभी तक 7 रन आ चुके हैं ट्रेंट बोल्ट के इस ओवर में, और कुल मिला के अगर आप देखें तो बॉलें 3 ही हुई हैं अभी भी। बढ़िया शॉट, ये फील्डर मौजूद है वहां पे, सिंगल मिल जाएगा आराम से, टारगेट जो है यहाँ पे आराम से 160-165 अगर जाता है थोड़ी सी जो है दिक्कत तो होगी यहाँ पे। देखते हैं अगली गेंद इसी के साथ, स्ट्राइक पे कृणाल पांड्या, बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, ये पूरी तरीके से बीट किया कृणाल पांड्या को, 15 बॉलों में 21 पे खेल रहे हैं। कृणाल पांड्या भी यहाँ पे आक्रामक बल्लेबाज है, ज्यादा देर तक अगर इनको आप शांत रख पाते हैं तो आप ही की खुशकिस्मती है ये। अच्छा थ्रो, एक रन आएगा और 17 ओवर समाप्त। नेथन कुल्टर नायल कंटिन्यू करेंगे, 2 ओवरों में जो है 4 रन दिए अभी तक इन्होंने, ज्यादा जो है शॉट खेले नहीं दिए लेकिन यहाँ पे रूम दिया और 4 रन मिल जाएंगे कुणाल पांड्या को। गुड लेंथ बॉल थी और उसको जो है बहुत ही अच्छी तरीके से जो है कट किया यहाँ पे 4 रनों के लिए, शानदार शॉट ये कुणाल पांड्या का, ये जो है मुफ्त के रन दिए जा रहे हैं, अगर यहाँ पे अगर रूम ना दे तो ये रन आना, रन मारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगली गेंद इसी के साथ, बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, बिल्कुल रूम ने दिया इस गेंद पे, अच्छा कमबैक, सुधार किया अपनी लाइन में और लेंथ में, लेंथ में मतलब लाइन में करा लेंथ में, तो अभी भी वही डाल रही है, और ये बढ़िया गेंदबाजी है, बिल्कुल भी रूम नहीं दे रहे हैं। अगली गेंद देखते हैं इसी के साथ, नेथन कुल्टर नायल बढ़िया गेंदबाजी करी है अभी तक, ये लेग साइड में फ्लिक किया है और एक सिंगल मिल जाएगा आराम से। 4 बॉलें हुई हैं इस ओवर की, 5 रन आए हैं,
140 पे जो है स्कोर पहुंच गया है यहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट्स का। अगली गेंद इसी के साथ सीधा फील्डर के पास, बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे नेतक पंकर नायल की। आखिरी गेंद डालेंगे इस ओवर के, अभी तक सिर्फ और सिर्फ 5 रन आए हैं अगर ऐसे ही ओवर जाता है। जी हाँ दोस्तों, बढ़िया ओवर गया है ये, सिर्फ और सिर्फ 6 रन आए इस ओवर से। 18वें ओवर की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ 6 रन का ओवर निकाला है। रसित कृष्णा दो विकेट दिलाए थे इन्होंने पावर प्ले के अंदर, क्या एक और विकेट दिला सकते हैं यहाँ पे डेथ ओवर्स में। बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद से शुरुआत करी, 2 रन के लिए यहाँ पे क्या जाएंगे, नहीं जाएंगे, 1 रन मिलेगा। अच्छी शुरुआत यहाँ पे प्रसिद्ध कृष्णा की। पचास रन की पार्टनरशिप हो गई है इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में, और ये जो है ओवर भी बढ़ेगी अगर जो है यहाँ पे बड़े बड़े शॉट देखने को मिले अगर हमें अगले 2 ओवरों में, देखते हैं क्या होता है। बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, बिल्कुल भी जो है रूम नहीं दे रहे कुणाल पांड्या को बड़े शॉट्स खेलने का। सिंगल आएगा दूसरी गेंद पे भी, स्ट्राइक पे एक बार फिर से आ गए हैं मार्कस जॉयनिस, देखते हैं क्या होता है इस गेंद पे। एज लगा और फील्डर के जस्ट आगे जो है बॉल जो है गिरी, कैरी नहीं हुई। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे प्रसिद्ध कृष्णा की, तीसरा विकेट उन्हें मिलते मिलते रह गया था बस, जस्ट एकदम बढ़िया गेंदबाजी। अगली गेंद देखते हैं इसी के साथ, एज लगा इनसाइड एज और यहाँ पे चांसेस क्रिएट हो रहे हैं लेकिन पूरे नहीं हो रहे हैं। अब बढ़िया गेंदबाजी हो रही है प्रसिद्ध कृष्णा की तरफ से इस समय। अगली गेंद देखते हैं इसी के साथ, एज लगा एक बार फिर से, 1 बाउंस सीधा फील्डर के हाथ में। काफी मजा आ रहा है इस मैच में, देखते हैं आखिरी गेंद पे क्या जाते जाते प्रसिद्ध कृष्णा को एक विकेट मिल जाएगा। बड़ा शॉट खेला यहाँ पे, फील्डर मौजूद है वहां पे, एक सिंगल मिलेगा सिर्फ, बेहतरीन ओवर, 19वां ओवर और सिर्फ 3 रन, शानदार ओवर। कहां मैं 160-165 सोच रहा था, यहाँ तो मुश्किल लग रहा है अभी 150 भी पहुंचना, क्योंकि नेथन फुल्टर नायल ने पिछले 3 ओवरों में सिर्फ 10 रन दिए अपने। बढ़िया गेंद और इस ओवर में भी जो है शुरुआत ऐसी करी है कि 2-4 रन से ज्यादा देने नहीं वाले, या तो बड़े शॉट खेल लीजिए या फिर जो है ऐसी सस्ते से टारगेट में जो है खत्म कर दीजिए आज का मैच। बढ़िया शॉट ये सीधा फील्डर के पास मार्कस जॉयनिस, ये हर मैच में मुझे समझ नहीं आ रहा कि हर मैच में एक ना एक बैट्समैन ऐसा हो ही रहा है जो 100 से कम के स्ट्राइक रेट में जो है खेल के जा रहा है। एज लगा सीधा फील्डर के पास, सिंगल लेने का मौका मिल जाएगा लेकिन मिस फील्ड के कारण, लेकिन तब भी 4 रन बचाए उन्होंने, इसे मैं मिस फील्ड नहीं कहूंगा, इसे मैं सेव कहूंगा, क्योंकि 4 रन तब भी बचाए उन्होंने। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे नेथन फुल्टर नाइल की, अगली गेंद देखते हैं इसी के साथ, एक बार फिर से जो है यहाँ पे रूम दिया था पूरी तरीके से फायदा नहीं उठा पाए, 2 रन के लिए जा रहे हैं और मेरे ख्याल से पूरा भी कर लेंगे और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जो है चौका भी मिल जाएगा। ओवर थ्रू के कारण जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा 4 रन मिल जाएंगे कृणाल पांड्या को। खराब फील्डिंग, अभी तक कोई गलती नहीं करी थी फील्डिंग में राजस्थान रॉयल्स ने, लेकिन जाते जाते जो है एक नमूना हमें दे दिया खराब फील्डिंग का। ये बेहतर गेंद, बेहतर गेंद, बिल्कुल भी रूम नहीं दिया इस पे, दूसरे के लिए जा रहे हैं और आराम से पूरा भी कर लेंगे। आखिरी गेंद है, 150 पार कर चुका है स्कोर यहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट्स का, 1 या 2 रन और आएंगे या फिर बड़ा शॉट आएगा देखने को जो है मजा आएगा। कोई रन नहीं आएगा, टॉट बॉल निकाल दी नेथन फुल्टर नायल ने, बढ़िया गेंदबाजी नेथन फुल्टर नायल की तरफ से। ओवर समाप्त हो जाता है इसी के साथ, 20 ओवर समाप्त, राजस्थान को जो है 153 रन बनाने होंगे यहाँ पे। टारगेट जो है इतना बड़ा नहीं है लेकिन बॉलिंग जो है यहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट्स की काफी अच्छी है, तो थोड़ा सा जो है संभल के खेलना पड़ेगा देवदत्त पडिक्कल और जॉस बटलर को। 153 रन का टारगेट है और यहाँ पे जो है कोशिश ये रहेगी मार्क वुड की जल्दी जो है एक विकेट दिला पाए अपनी टीम को। पहली गेंद मार्क वुड स्ट्राइक पर, देवदत्त पडिक्कल, क्या होने वाला है पहली गेंद इसी के साथ। अच्छा शॉट खेला है ये, सिंगल मिल जाएगा आराम से, सिंगल से जो है शुरुआत करिए अपनी पारी की देवदत्त पडिक्कल ने। जॉस बटलर आ गए स्ट्राइक पे इसी के साथ, बड़े शॉट्स खेलने के लिए जाने जाते हैं जॉस बटलर, देखते हैं आज जो है क्या करते हैं। पहली गेंद इसी के साथ,
बढ़िया गेंद से शुरुआत करी, यहाँ पे बाउंसर डाली और बाउंसर जो है बिल्कुल भी जो है पढ़ नहीं पाए टाइम पे, टाइम रहते जॉस बटलर। अच्छी गेंद, अच्छी शुरुआत यहाँ पे। अगली गेंद देखते हैं, मार्क वुड बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, ये शॉट अच्छा लेकिन सीधा फील्डर के पास, कोई रन नहीं मिलेगा। शॉट लेकिन बहुत ही बढ़िया था, नो डाउट। अगली गेंद देखते हैं ऐसे के साथ, मार्कोट अच्छा शॉट खेला ये, लेकिन सिंगल से ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं जॉस बटलर को। थोड़ी सी जो है स्लो शुरुआत यहाँ पे, स्ट्राइक पीसी के साथ आ जाते हैं देवदत्त पटिकल, सीधा जो है फील्डर के पास बॉल मारी है, वहां पे डायरेक्ट हिट हो जाती तो शायद दिक्कत होती, लेकिन अभी तक बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया शुरुआत यहाँ पे मार्क वुड की। पहली जो है पांच बॉल में अभी तक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3 रन दिए हैं, देखते हैं आखिरी गेंद पे क्या होता है। जॉस बटलर है स्ट्राइक पे, हवा में गेंद खेल दी है और फील्डर से थोड़ी सी दूर रह जाएगी वो, बिल्कुल भी कैरी नहीं होगी, यहाँ पे तीसरे के लिए जाएंगे शायद, जी नहीं 2 रन भी जो है रुक जाएंगे। बढ़िया ओवर रहा है ये, 5 रन आए इस ओवर से। जेसन होल्डर आए हैं बॉल डालने के लिए, स्ट्राइक पे हैं देवदत्त पटिकल, पहले ओवर में सिर्फ 5 रन आए और रन रेट जो है ऊपर चला गया 7.74 तक। ये अच्छा शॉट खेला है, सिंगल मिलेगा मेरे ख्याल से ज्यादा क्योंकि फील्डर मौजूद है वहां पे। अच्छा शॉट ये 1 रन के लिए, स्ट्राइक पे एक बार फिर से जो है जॉस बटलर आ गए हैं, देखते हैं क्या होता है इस बॉल पे। ये अच्छा शॉट खेला है, गैप में खेला है, फील्डर जो है बॉल के पीछे भाग रहे हैं और 2 रन मिल जाएंगे जब तक बॉल जो है वापस आएगी। तो गैप में शॉट तो ढकेल पा रही है यहाँ पे जॉस बटलर, लेकिन बड़ा शॉट जो है अभी भी देखने को नहीं मिला, देखते हैं इस गेंद पे क्या होता है। अगली गेंद इसी के साथ जॉस बटलर के, ये बढ़िया शॉट खेला है, फील्डर से जो है बॉल हल्की सी दूर रह जाएगी और पहली बाउंड्री आती है राजस्थान रॉयल्स के लिए। उतना बढ़िया से जो है टाइम नहीं हुआ था, लेकिन इतना टाइम हो गया था कि जो है 4 रन मिल जाए इस बॉल पे जॉस बटलर को। देखिए फील्डर बहुत ही पास था, बहुत ही ज्यादा पास था, देखिए अच्छा नहीं था क्या, अरे दूर था यार काफी। अच्छा शॉट, बढ़िया शॉट, मजा आया देख के। अगली गेंद देखते हैं इसी के साथ, ये बढ़िया शॉट है, ये तो फील्डर से बहुत ही ज्यादा दूर जाएगा, दूसरा चौका एक के बाद एक बैक टू बैक फोर्स यहाँ पे जॉस बटलर के बल्ले से। जेसन होल्डर को जो है यहाँ पे अपनी लाइन में चेंज करना पड़ेगा, लेग साइड में इतनी प्रोटेक्शन नहीं है जेसन होल्डर के लिए, और उनका जो मतलब सोच ये है जेसन होल्डर के यहाँ पे कि जेसन जॉस बटलर जो है हवा में शॉट खेलेंगे और शायद जो है वहाँ पे कैच जो है मिल जाएगा उन्हें, लेकिन फिलहाल तो यहाँ पे बटलर जो है बढ़िया गेंद बल्लेबाजी करते हुए कोई जो है मौका। ये अच्छा शॉट सीधा फील्डर के पास और मिस फील्ड के कारण जो सिंगल थोड़ा सा रिस्की होने वाला था वो आराम से पूरा कर लेंगे दोनों बल्लेबाज। अच्छी शुरुआत यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स की, लेकिन स्ट्राइक पे जो है देवदत्त पटिकल बॉल डाल रहे हैं जेसन होल्डर, क्या एक और बड़ा शॉट देखने को मिलेगा हमें ओवर खत्म होते होते। जी नहीं, अच्छी बाउंसर डाली, 2 रन के लिए जा रहे हैं, नहीं रहने देंगे, 1 ही रन पे संतुष्ट हो जाएंगे। 2 ओवर 18 बिना किसी विकेट के नुकसान। आवेश खान को लेके आए हैं यहाँ पे केएल राहुल, मेरे ख्याल से मार्क वुड को कंटिन्यू करना चाहिए था, पहले ओवर में जो है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है 5 रन दिए थे तो कॉन्फिडेंस जो है अच्छा खासा बूस्ट हुआ होगा उनका, तो आवेश खान को लाने का जो डिसीजन है मेरे को कुछ खास समझ नहीं आया यहाँ पे। खैर स्ट्राइक पे यहाँ पे हैं जॉस बटलर, पहली गेंद खेलेंगे आवेश खान की। ये शॉट अच्छा खेला है, फील्डर वहां पे मौजूद है, सीधा फील्डर के पास बॉल जाएगी, रन नहीं मिलेगा इस बॉल पे, शॉट लेकिन बहुत ही अच्छा था। अगली गेंद देखते हैं इसी के साथ, आवेश खान की, ये भी अच्छा शॉट लेकिन सीधा फील्डर के पास, फील्डर को जो है बीट नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे जॉस बटलर, फील्ड के हिसाब से जो है बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे आवेश खान, देखते हैं अगली गेंद पे क्या होता है।
एच लगा और सीधा जो है विकेट दिला दिया है आवेश खान ने यहाँ पे जॉस बटलर के रूप में, बहुत बड़ा विकेट। ये बड़ा शॉट खेलने जा रहे थे या क्या करने जा रहे थे मुझे समझ नहीं आया, ड्राइव खेलना चाहते थे या क्या, एज लगा और विकेट कीपर के लिए बहुत ही आसान सा कैच ये ने किया। क्विंटन डीकॉक ने कोई गलती नहीं करी वो कैच को पकड़ने के लिए, बड़ा विकेट ये, बहुत बड़ा विकेट जॉस बटलर के रूप में, बहुत बड़ा विकेट है। 19-1 राजस्थान रॉयल्स और बहुत जल्दी जो है विकेट गिर गया है। देखते हैं आवेश खान अगली गेंद, स्ट्राइक पे यशस्वी जायसवाल, बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, कोई मौका नहीं था वहां पे यशस्वी जायसवाल के लिए बड़ा शॉट खेलने के लिए। तो आवेश खान को लाने का डिसीजन है अब समझ में आया मेरे ख्याल से क्यों लेके आए, बढ़िया डिसीजन मेरे ख्याल से, बहुत ही बढ़िया डिसीजन। सीधा फील्डर के पास जो है बॉल जाएगी वहां पे, बढ़िया ओवर, दो रन आए इससे और एक विकेट भी मिला। जेसन होल्डर को कंटिन्यू रखा है दूसरे एंड से, मेरे ख्याल से यहां से अगर मार्क वुड को ले आते तो बढ़िया ही हो जाता। ये जो है अच्छा शॉट खेला है, सिंगल मिल जाएगा ज्यादा से ज्यादा इस पे। करंट रन रेट जो है अभी 6 के करीब का है, रिक्वायर्ड 8 के करीब पहुंचने वाला है, 7.5 के करीब चल रहा है, देखते हैं इस बॉल पे क्या होता है। ये बहुत ही अच्छा शॉट लेकिन स्टम्प्स पे बॉल लगी जिस वजह से जो है सिंगल ही मिल पाएगा सिर्फ। लेकिन देखते हैं इसी के साथ जेसन होल्डर की स्ट्राइक पे है यशस्वी जायसवाल, ये बढ़िया शॉट खेला है, हवा में बॉल है लेकिन फील्डर से जो है मेरे ख्याल से काफी दूर रहेगी और इस वजह से जो है चौका मिल जाएगा यशस्वी जायसवाल को। बढ़िया टाइमिंग, रिस्की शॉट था लेकिन टाइमिंग इतना अच्छा था कि 4 रन मिल जाएंगे आराम से, बहुत ही अच्छा शॉट ये, अच्छे टाइमिंग की वजह से जो है यहाँ पे ये चौका मिला, वरना तो बहुत आराम से जो है एक विकेट गिर जाता, बहुत ही अच्छा टाइमिंग। अगली गेंद देखते हैं इसी के साथ यशस्वी जायसवाल क्या करने वाले हैं, आराम से जो है फ्लिक कर दिया है, 2 रन के लिए जाएंगे इस पे, नहीं जाएंगे, सिंगल मिलेगा बहुत ही आराम से। चौका मारने के बाद सूझबूझ भरी बैटिंग यहाँ पे, अच्छा लगा देख के। अगली गेंद इसी के साथ जेसन होल्डर, ये टाइम उतना प्रॉपर किया नहीं यहाँ पे, एक सिंगल मिलेगा बहुत आराम से, आखिरी गेंद है इस ओवर की, अब स्ट्राइक पे है यशस्वी जायसवाल, देखते हैं क्या होता है इस बॉल पे। ये अच्छा शॉट है, फील्डर वहां पे मौजूद है, टाइम पे डाइव मार ली और सिंगल ले लिया इसलिए बच गए। आवेश खान आया है यहाँ पे, कंटिन्यू करेंगे, पहले ओवर में सिर्फ 1 रन और 1 विकेट, शानदार यहाँ पे गेंदबाजी। ये अच्छा जो है शॉट खेला है, गैप में खेला है, एक सिंगल मिल जाएगा आराम से। आवेश खान जो है यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं तो उनके खिलाफ जो है थोड़ा संभल के खेलें बल्लेबाज तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और ये वाइड बॉल हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से। जी हाँ दोस्तों, लाइन से भट गए यहाँ पे थोड़ी सी आवेश खान, स्लिप लगा रखा है आवेश खान के लिए, देखते हैं क्या होता है अगली गेंद इसी के साथ। ये फ्लिक किया है आराम से, फील्डर मौजूद है, दूसरे के लिए नहीं जाएंगे, एक सिंगल ही मिलेगा आराम से, तो अच्छी गेंदबाजी होती हुई यहाँ पे, सिंगल से ज्यादा जो है रन मारने का जो मौका है वो दे नहीं रहे हैं और फील्ड के हिसाब से जो है बल्लेबाजी मतलब गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद देखते हैं इसी के साथ, ये फील्डर मौजूद है वहां पे, डायरेक्ट हिट नहीं होगी, पहुंच जाएंगे टाइम से, विकेट देना नहीं चाहते यहाँ पे, इसी कारण से जो है ऐसी जो है बल्लेबाजी देखने को मिल रही है यहाँ पे। ये जो है फील्डर मौजूद है वहां पे, जब तक पहुंचेगा तब तक 2 रन तो मिल जाएंगे आराम से। जी हाँ दोस्तों, अच्छा शॉट ये 2 रनों के लिए। देवदत्त पटिकल 10 बॉलों में 10 रन, ज्यादातर ऐसे खेलने को दिखते नहीं है लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पे काफी बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी। अरे यार,
वापस भेजना चाह रहा था यार, बटन नहीं दबा टाइम पे, पैनिक में आ गया एकदम। छी यार छी, हट संजू सैमसन आए यहाँ पे बैटिंग करने के लिए। पहली बॉल खेलेंगे आवेश खान की, सिंगल के लिए जो है चले गए हैं, आराम से पूरा भी कर लेंगे मिस स्पीड के कारण। 5 ओवर 36 पे 2 राजस्थान रॉयल्स। बाहर बोर्ड को जो है दोबारा लेके आए हैं, स्ट्राइक पे है संजू सैमसन, देखते हैं क्या होता है। ये अच्छा शॉट खेला है, चौका मिल जाएगा यहाँ पे संजू सैमसन को। बैक फुट ड्राइव, बहुत ही बढ़िया स्ट्रेट ड्राइव, बैक फुट स्ट्रेट ड्राइव, शानदार शॉट 4 रनों के लिए। मार्क वुड का क्या स्वागत किया है यहाँ पे, मजेदार शॉट। ये देखिए क्या टाइमिंग था, कितना जो है यहाँ पे सुंदर लगता हुआ। अगली गेंद इसी के साथ देखते हैं, स्ट्राइक पे संजू सैमसन, बॉल डाल रहे हैं मार्क वुड, हवा में बॉल है और सीधा फील्डर के हाथ से जो है छोड़ देंगे यहाँ पे। बहुत बड़ा विकेट छोड़ दिया आपने, ये संजू सैमसन का विकेट 4 रनों पे जो है बहुत बड़ा विकेट हो जाएगा ये, अगर ये मैच जो है संजू सैमसन अकेले जो है ले जाए। 5 रन पे ड्रॉप हो गए थे यहाँ पे संजू सैमसन, याद रखिएगा। बढ़िया शॉट खेला है, फील्डर मौजूद है वहां पे और ये एक और विकेट गिर जाएगा यहाँ पे। खराब शॉट यशस्वी जायसवाल का, फील्डर मौजूद था वहां पे और ये बहुत ही खराब शॉट। मार्क वुड ने पिछली बॉल पे संजू सैमसन का कैच छूटा, अगली बॉल पे यशस्वी जायसवाल ने अपना विकेट जो है दे दिया एक तरीके से। खराब बल्लेबाजी यहाँ पे, बहुत ही खराब बल्लेबाजी। शिमरॉन हेटमायर आए यहाँ पे बल्लेबाजी करने के लिए, एक पार्टनरशिप की सख्त जरूरत है यहाँ पे राजस्थान को। स्ट्राइक पे आ गए हैं संजू सैमसन, देखते हैं क्या होता है। ये हवा में शॉट खेल दिया है और गैप में खेला है संजू सैमसन ने और पछता रहे होंगे वहां पे जो कैच छूटा था, क्योंकि एक चौका लगा दिया है संजू सैमसन। बढ़िया यहाँ पे बल्लेबाजी करते हुए, अच्छा शॉट था ये और बहुत ही अच्छा शॉट था, याद रखिएगा। 5 रन पे ड्रॉप हो गए थे, याद रखने वाली बात है। अगली गेंद इसी के साथ संजू सैमसन की, संजू सैमसन की नहीं मार्क वुड की। बड़ा शॉट खेलने जा रहे थे एक बार फिर से, टाइम नहीं कर पा रहे हैं उस शॉट को, सिंगल मिलेगा बस। राजस्थान रॉयल्स पावर प्ले के अंदर जो है 3 विकेट खो चुकी है यहाँ पे, जो कि बिल्कुल भी जो है अच्छा नहीं है, लेकिन इससे उभर के जो है यहाँ पे रन मारने होंगे। अच्छा शॉट खेला ये, दूसरे के लिए नहीं जाएंगे सिंगल पे। तो 47 रन बनाए यहाँ पे पावर प्ले में, 3 विकेट खो गए राजस्थान रॉयल्स ने। आवेश खान जो है दूसरे एंड से कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे, 2 ओवरों में 8 रन देके यहाँ पे रन मिल जाएंगे आराम से। दिमाग से खेला गया ये जो है, मजबूर किया थ्रो करने के लिए, लेकिन टाइम पे वापस भी आ गए और इस वजह से जो है एक सिंगल भी मिल गया और कोई रिस्क भी नहीं उठाना पड़ा, दिमाग से खेला गया वो। अगली गेंद इसी के साथ, ये शॉट बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा शॉट था ये, लेकिन सीधा फील्डर के पास। अगली गेंद देखते हैं इसी के साथ, आवेश खान की, स्ट्राइक में है संजू सैमसन, कप्तान जो है यहाँ पे राजस्थान के। ये शॉट बढ़िया, पिछले वाले से बेहतर, अच्छी प्लेसमेंट, सिंगल मिल जाएगा आराम से। प्लान क्या है यहाँ पे, प्लान जो है यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है कि प्लान क्या है। लेकिन देखते हैं इसी के साथ, स्ट्राइक पे है शिमरॉन हेटमायर, यहाँ पे जो है अच्छे से पुश किया है बस, 2 रनों के लिए जाएंगे यहाँ पे। और दिमाग से खेला गया शॉट था ये, आराम से पूरा भी कर लेंगे। 50 रन पूरे होते हुए इसी के साथ राजस्थान रॉयल्स के 3 विकेट जो है डाउन है अभी, और कोशिश यही होगी कि ये जो 3 विकेट डाउन जो चल रहा है मामला, इसको जो है बिल्कुल भी अफेक्ट ना करने दें। ये अच्छा जो है गेंद थी, बहुत ही अच्छी गेंद, एक सिंगल ले लिया लेग बाय के रूप में, अच्छी गेंद थी। आवेश खान बढ़िया गेंदबाजी करते हुए फिलहाल। तो अगली गेंद देखते हैं इसी के साथ, स्ट्राइक पे संजू सैमसन, ये अच्छा शॉट खेला है, 2 रन के लिए जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं जाना चाहिए क्योंकि ज़्यादा दूर जो है बॉल गई नहीं है।
53 पे 3-7 ओवर के बाद राजस्थान रॉयल्स कंटिन्यू करेंगे मार्क वुड। ये अच्छा शॉट खेला है, फील्डर मौजूद है, डायरेक्ट इन मुश्किल में डाल सकती है, लेकिन यहाँ पे ओवर थ्रो के कारण जो है एक अतिरिक्त रन मिल जाएगा, इसमें भी जो है डाइव मारनी पड़ेगी। 2 रन मिल गए जहां पे एक बनता था, लेकिन रिस्क बराबर का उठाया था उसने। अगली गेम देखते हैं इसी के साथ, संजू सैमसन 9 बॉलों में 15 पे 5 रन पे ड्रॉप हो गए थे, याद रखिए गए। ये दिमाग से खेला हुआ शॉट, 2 रनों के लिए जा रहे हैं और आराम से जो है पूरा भी कर लेंगे। बढ़िया बल्लेबाजी, बढ़िया बल्लेबाजी, 2 बॉलों में जो है 4 रन निकाल चुके हैं इस ओवर में संजू सैमसन। देखते हैं अगली गेंद पे क्या होता है। अगली गेंद इसी के साथ मार्क वुड, बढ़िया यहाँ पे हवा में बॉल खेली है, शॉट खेला है, लेकिन फील्डर मौजूद है तो एक ही रन मिलेगा। टाइम नहीं कर पाए थे शॉट को बिल्कुल भी संजू सैमसन, अच्छा है कि विकेट नहीं गिरा। तो अगली गेंद देखते हैं इसी के साथ, स्ट्राइक पे है शेमरॉन हेटमायर, 4 बॉलों में 4 पे खेल रहे हैं। बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, बीट करा यहाँ पे शेमरॉन हेटमायर को। अगली गेंद इसी के साथ, 95 रन चाहिए, 74 बॉले हैं, लेकिन यहाँ पे 3 विकेट जो खो चुके हैं ना, ये सीधा फील्डर के पास, डायरेक्ट हिट रिस्क में डाल सकती है, लेकिन यहाँ पे 2 रन मिल जाएंगे आराम से। एक बार फिर से जो है ये थ्रो जो है फायदा करता हुआ राजस्थान रॉयल्स का। आखिरी गेंद है इस ओवर की, स्ट्राइक पे है शेमरॉन हेटमायर, देखते हैं क्या होता है। बढ़िया शॉट खेल दिया 6 रनों के लिए हेटमायर ने, कोई मौका नहीं वहां पे फील्डर के पास इसको रोकने का। शानदार शॉट आता हुआ हेटमायर के बल्ले से आखिरी गेंद पे। रवि बिश्नोई आए हैं यहाँ पे गेंदबाजी करने के लिए, और इनके खिलाफ जो है थोड़ा सा ध्यान से खेलना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। बढ़िया गेंदबाजी करते हैं और क्षमता रखते हैं बड़े बड़े प्लेयर्स को आउट करने की, क्योंकि इनका ओवर जो है अगर ध्यान से खेल के आपने निकाल दिया तो मैच जो है आपके हाथ में रहेगा। बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, रन नहीं लेंगे, लेकिन इस पर अच्छा किया नहीं लिया। यहाँ पे सावधानी बरत के जो है खेलने की जरूरत है बिश्नोई को। अगली गेंद इसी के साथ, यहाँ पे ये रिस्की हो सकता है और बच गए, बच गए, बहुत रिस्की रन लिया था, अत्यंत रिस्की रन लिया गया है ये, इसकी जरूरत नहीं है वो काम ना करें। अगली गेंद इसी के साथ, स्ट्राइक पे है संजू सैमसन, सीधा फील्डर के पास, रन मिलेगा नहीं। बढ़िया शुरुआत यहाँ पे बिश्नोई की, बिश्नोई के 4 ओवर बहुत महंगे पड़ेंगे यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स को, देखना। अगली गेंद सीधा फील्डर के पास, कोई रन मिलेगा नहीं। बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे, विकेट यहाँ पे लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकती, जिसकी कार जिसकी वजह से जो है यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से खेलना पड़ेगा। ये थोड़ा गैप में खेला हुआ शॉट, सिंगल मिलेगा जाए ज्यादा संजू सैमसन को। 59 पे 3 9 ओवरों के बाद राजस्थान रॉयल्स। कुणाल पांड्या आए हैं बॉल डालने के लिए, बढ़िया गेंदबाजी करते हैं कुणाल पांड्या, देखते हैं पहली बॉल पे कैसे फेस करेंगे। बढ़िया शॉट खेल दिया यहाँ पे संजू सैमसन ने, आते ही छक्के से स्वागत किया है कुणाल पांड्या का। इससे बेहतर और क्या शुरुआत हो सकती है कुणाल पांड्या के स्पेल की। बहुत ही बढ़िया शॉट यहाँ पे कवर्स के ऊपर से 6 रनों के लिए, क्या शॉट खेला यार, मजा आ गया देख के। बहुत ही बढ़िया शॉट, ये देखिए बड़ा छक्का यहाँ पे, फील्ड में बदलाव कर दिया गया है इसी कारण से। देखते हैं कुणाल पांड्या क्या लाइन में भी बदलाव करेंगे। बढ़िया शॉट खेला है फील्डर, वहां पे जब तक पहुंचेगा तब तक जो है 4 रन मिल जाएंगे। और तो बड़ा ओवर आता हुआ, एक पहली 2 बॉलों पर 10 रन आ गए कुणाल पांड्या के इस ओवर के। संजू सैमसन पूरी तरीके से जो है टूट चुके हैं कुणाल पांड्या पे, और अब जो है मेरे ख्याल से थोड़ा सा संभल जाना चाहिए अब जो है, क्योंकि कुछ ना कुछ ज्यादातर जो है जोश में आके होश नहीं खोया जाता। बढ़िया शॉट खेला है फील्डर के ऊपर से, 2 रन के लिए जा रहे हैं, नहीं एक सिंगल पे रुक जाएंगे। एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करी, अच्छा हुआ फील्डर मौजूद नहीं था वहां पे, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं करा था इस शॉट में।
स्ट्राइक पे आगे शेवरॉन हेटमायर, ये अच्छा शॉट, फील्डर मौजूद है वहां पे और यहाँ पे टाइम से डाई मार के जो है पहुंच गए हेटमायर। फिर से एक बार स्ट्राइक पे आ गए हैं संजू सैमसन, बड़ा ओवर क्रिएट कर दिया उन्होंने ऑलरेडी, लेकिन अभी काम इससे ज्यादा है उनका, इसलिए ये अच्छा अच्छी गेंद और अच्छा यहाँ पे देख के लगा कि गलती नहीं कर रहे बिल्कुल भी संजू सैमसन। अगली गेंद जो कि आखिरी गेंद होगी इस ओवर की, बड़ा शॉट खेल दिया है, फील्डर मौजूद है और ये यहाँ पे टिप्पा खा जाएगी उनसे पहले, कैरी नहीं करी और इसी कारण जो है बच गए संजू सैमसन, वरना है विकेट दे बैठे थे अपना लगभग। कृष्णप्पा गौतम को लाने का जो है यहाँ पे मतलब मुझे समझ नहीं आया, जबकि अच्छा ओवर निकाला था रवि बिश्नोई ने पिछला। यहाँ पे रन मिल जाएंगे बहुत आराम से, एक सिंगल मिल जाएगा हेटमायर को और उससे ज्यादा जो है जरूरत नहीं है, क्योंकि इस समय बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं संजू सैमसन। अगली गेंद कृष्णप्पा गौतम की, अच्छी शुरुआत, एक सिंगल से शुरुआत करी है, यहाँ पे जो है दो रन के लिए जाएंगे, आराम से पूरा भी हो जाना चाहिए, रिस्क उठाना नहीं चाहते इस समय, एक सिंगल ही लेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं। स्ट्राइक पे इसी के साथ आ जाते हैं शेमरॉन हेटमायर, सीधा वहां पे फील्डर के पास बॉल जाएगी और आराम से एक सिंगल मिल जाएगा, मैच को जो है क्लोज ले जाने की जो है यहाँ पे एक कोशिश चल रही है दोनों बल्लेबाजों की तरफ से। कृष्णप्पा गौतम कंटिन्यू करेंगे दूसरे एंड से, दो रन के लिए जा रहे हैं यहाँ पे और इस बार जो है मिल जाने चाहिए, डायरेक्ट हिट मुश्किल में डाल सकती है, लेकिन पहुंच गए टाइम पे, डायरेक्ट हिट नहीं हुई इसलिए बच गए, यहाँ पे मैच क्लोज लेके जा रहे हैं, 56 बॉल 63 रन चाहिए, दिमाग जो है यहाँ पे बिल्कुल समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्या है दोनों बल्लेबाजों का, दो रन के लिए जा रहे हैं इस पे, डायरेक्ट हिट इस बार जो है यहाँ पे दिक्कत कर देती, बहुत आराम से दिक्कत कर देती यहाँ पे, तो और रिस्क नहीं लेना चाहिए मेरे ख्याल से इस ओवर में, विकेट नहीं गंवाना चाहिए संजू सैमसन को, बहुत इंपॉर्टेंट विकेट है दोनों बल्लेबाजों का, बहुत इंपॉर्टेंट विकेट है ये। अच्छा जो है यहाँ पे शॉट खेल दिया है, एक सिंगल मिल जाएगा आराम से, 11वां ओवर समाप्त, 91 पे 3, 50 रन की पार्टनरशिप पूरी होती हुई दोनों बल्लेबाजों के बीच में। मृणाल पांड्या के साथ जो है कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे, क्या गलती साबित होगी ये तो वक्त ही बताएगा। बढ़िया गेंद और ये कीपर जो है बीट हो गए पूरी तरीके से, जिस कारण से जो है यहाँ पे एक रन मिल जाएगा फ्री फंड का, डिकॉक से जो है ये गलती होती हुई यहाँ पे, बाय का एक रन मिल जाएगा यहाँ पे। अच्छा है संजू सैमसन स्ट्राइक से हट गए, क्योंकि जोश में आ जाएंगे वो मृणाल पांड्या के खिलाफ ऐसे भी। ये अच्छा शॉट सिंगल के लिए, शेमरॉन हेटमायर जो है मैच को क्लोज ले जाना चाहते हैं इस समय ऐसा लग रहा है, बड़ा शॉट खेलने के लिए देख नहीं रहे हैं, और इस समय जो है खास अगर देखा जाए तो जरूरत भी नहीं है, अगर आप सही से खेलें तो मैच जो है आपके हाथ में ही है लगभग। बड़ा शॉट खेल दिया है, फील्डर से जो है दूर गिरी, वो बच गए यहाँ पे संजू सैमसन, एक बार फिर से रिस्क उठा रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें लग रहा है कि एक बार जो है अगर ये एक या दो बड़े शॉट लग जाए तो मैच पूरी तरीके से हाथ में आ जाएगा। ये बढ़िया शॉट बचे यहाँ पे, एक बार फिर से इनसाइड एज लगा था वहां पे, पूरी तरीके से बचे। कृणाल पांड्या ने बॉलिंग में बहुत ही ज्यादा सुधार किया है वो 10 रन खाने के बाद से, मानना पड़ेगा। अगली गेंद इसी के साथ, स्ट्राइक पे शेमरॉन हेटमायर, अबे यार ये क्या कर दिया मैंने, यार ये गलती सुधारनी पड़ेगी यार, ऐसे नहीं चलेगा, वाह यार गलती जो है नहीं कर सकता मैं बार बार, रयान पराग आया स्ट्राइक पे, ये शॉट अच्छा, बढ़िया फील्डिंग वहां पे, रन बचाए हैं टीम के लिए बहुत ज्यादा, 48 पे 57 चाहिए अब राजस्थान रॉयल्स को। कृष्णप्पा गौतम कंटिन्यू करेंगे दूसरे एंड से, स्ट्राइक पे है संजू सैमसन, बढ़िया गेंद पूरी तरीके से बीट कर रहे हैं यहाँ पे संजू सैमसन, एक बड़ा शॉट लगाने को देख रहे हैं, मुझे लग रहा है बहुत जल्दी जो है एक विकेट करने वाला है यहाँ पे।
सीधा फील्डर के पास, ये जो है यहाँ पे खराब रनिंग बिटवीन द विकेट्स थी, डायरेक्टेड नहीं हुई, इसलिए बचे हैं बस रायन पराठ। माना कप्तान है लेकिन उन्हें इसके लिए मना करना चाहिए था। अगली गेंद इसी के साथ, यहाँ पे रन मिलेंगे और 2 रन मिलेंगे आराम से। दूसरे के लिए जा रहे हैं, थोड़ा सा तेज भागना पड़ेगा, डायरेक्ट हिट दिक्कत कर सकती थी लेकिन पूरा करा 2 रन। गेंद इसी के साथ, कृष्णप्पा गौतम 1.5 ओवरों में अभी तक सिर्फ 11 रन दिए हैं। अच्छी गेंदबाजी करी है, बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद। एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने जा रहे थे, कोई मौका नहीं मिला, सिंगल भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला यहाँ पर रायन पराग को। अगली गेंद देखते हैं इसी के साथ, ये बढ़िया शॉट, 2 रन के लिए खेल दिया। एक बार फिर से दूसरे के लिए जा भी रहे हैं, डायरेक्ट हिट जो है यहाँ पे दिक्कत में डाल सकती थी और हुई भी डायरेक्ट हिट, लेकिन टाइम पे पहुंच गए यहाँ पे संजू सैमसन। आखिरी गेंद है इस ओवर की, ज्यादा रन आए नहीं है इस ओवर में, देखते हैं क्या होता है। बेहतरीन गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी। कुमार पांड्या जो है यहाँ पे बॉल डालेंगे, स्ट्राइक पे है संजू सैमसन। ये अच्छा शॉट, दिमाग से खेला हुआ शॉट ये संजू सैमसन का, सिंगल निकाल लिया पहली बॉल पे। 42 पे 52 चाहिए और यहाँ पे जो है मैच हाथ में है पूरी तरीके से, अगर कोई गलती ना करे यहाँ पे तो। अगली गेंद इसी के साथ, कुणाल पांड्या रयान पराग को, ये अच्छी शॉट, अच्छी शॉट, 2 रन के लिए खेल दिया ऐसे भी और आराम से जो है 2 रन पूरे कर लेंगे यहाँ पे। बढ़िया बैटिंग यहाँ पे रयान पराग की तरफ से, रिस्क लिए बगैर अगर आप स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ा सकते हैं तो ये उससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। अगली गेंद देखते हैं इसी के साथ, यहाँ पे रन मिल जाएगा आराम से, एक सिंगल मिल जाएगा। कुणाल पांड्या थोड़ी देर में जागे, अगर जल्दी जाग जाते तो 1 ही रन होता बस। ये स्ट्राइक पे आ गए एक बार फिर से संजू सैमसन, 44 पे खेल रहे हैं 30 बॉलों में। बढ़िया शॉट खेला, ये फील्डर मौजूद है लेकिन उस तक जो है पहुंचेगी नहीं गेंद, 1 ही रन मिलेगा सिर्फ इस पे। फिर से जो है बड़ा शॉट लगाने के लिए गए थे, वैसे ये देखने वाली बात है। अगली गेंद इसी के साथ, बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, बीट क्या है यहाँ पे, बड़ा शॉट लगाने के लिए जा रहे थे, कोई रन नहीं मिलेगा इस बॉल पे। आखिरी गेंद इस ओवर की, बढ़िया ओवर ये कुणाल पांड्या का, सीधा जो है यहाँ पे कुणाल पांड्या ने जो है थोड़ी देरी कर दी जागने में, इसलिए एक सिंगल मिल जाएगा आराम से। रवि बिश्नोई आए यहाँ पे बॉल डालने के लिए, स्ट्राइक पे है रयान पराग। ये जो है पुश कर दिया है, एक सिंगल मिल जाएगा आराम से यहाँ पे। तो रिस्क नहीं लेना चाह रहे क्योंकि जानते हैं मैच अभी जो है काफी क्लोज है, तो बिल्कुल भी जो है रिस्क लेना नहीं चाह रहे यहाँ पे। अगली गेंद इसी के साथ, बढ़िया शॉट खेल दिया, ये फील्डर मौजूद है वहां पे, सिंगल ही मिलेगा सिर्फ यहाँ पे संजू सैमसन को। थोड़ा शॉट लगाने के लिए जो है यहाँ पे टाइमिंग नहीं मिल रहा है संजू सैमसन को बिल्कुल भी आज, मतलब अभी तक तो मिल रहा था, अभी कुछ टाइम से नहीं मिल रहा है। ये शॉट अच्छा, सिंगल मिलेगा सिर्फ इस पे। मैच को क्लोज लेने की जो है यहाँ पे कोशिश दिखाई दे रही है मुझे अभी तक तो फिलहाल। अगली गेंद देखते हैं इसी के साथ, ये पुश कर दिया है, 2 रन के लिए क्या जाएंगे, जी नहीं, फील्डर के हाथ में बॉल आ चुकी है। अगली गेंद देखते हैं इसी के साथ, स्ट्राइक पे है रयान पराग। ये बढ़िया शॉट खेला है, क्या चौका मिल जाएगा इस पे, बहुत देर से कोई बाउंड्री नहीं आई थी, इस चौके की जरूरत थी और सही टाइम पे रयान पराग के बल्ले से जो है ये बढ़िया जो है शॉट आता हुआ 4 रनों के लिए। परफेक्ट टाइमिंग, एकदम जो है फील्डर के ऊपर से जो है बॉल गई, बहुत क्लोज था लेकिन एंड में जो है रयान पराग के जो है इससे 4 रन आए। आखिरी गेंद इस ओवर की देखते हैं क्या होता है। बढ़िया गेंद से एंड होगा, जेसन होल्डर को जो है वापस ले आए हैं, स्ट्राइक पे हैं संजू सैमसन, देखते हैं पहली बॉल पे क्या होता है।
ये शॉट अच्छा खेला है, गैप में खेला है, फील्डर वहां पे मौजूद है, दूसरे के लिए आना चाहते थे लेकिन आ नहीं पाएंगे, सिंगल मिलेगा सिर्फ। रिक्वायर्ड रन रेट जो है 7.4 का है और करंट रन रेट जो है यहाँ पे थोड़ा सा उससे ऊपर चल रहा है। ये अच्छा शॉट खेला है, फील्डर के जस्ट आगे बॉल गिरेगी, एक बार फिर से यहाँ पे मैच जो है क्लोज होता हुआ, लेकिन एक जो बड़ा हिट पे जो यहाँ पे जरूरत है दोनों बल्लेबाजों को वो नहीं मिलता हुआ। अगली गेंद देखते हैं इसे के साथ, संजू सैमसन याद रखिए 5 रन पे जो है आउट हो गए थे ये, और अब जो है 49 से बैटिंग कर रहे हैं संजू सैमसन जो है यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट कर गए पूरी तरीके से। स्ट्राइक में है रयान पराग, देखते हैं क्या होता है इस बॉल पे। जेसन होल्डर अच्छी गेंदबाजी करते हुए, बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, डॉट बॉल निकाल दी यहाँ पे, एक या दो बड़े शॉट की जरूरत है, अगर वो टाइम रहते आगे तो प्रेशर जो है पूरी तरीके से रिलीज हो जाएगा। अगली गेंद देखते हैं इसी के साथ, बढ़िया शॉट खेला ये, क्या फील्डर मौजूद है वहां पे, लेकिन मौजूद है तो देखते ही रह जाएंगे बॉल को, क्योंकि 4 रन मिल जाएंगे रेयान पराग को आराम से। बढ़िया टाइमिंग इस बॉल पे, पिछले ओवर में एक चौका आया, थोड़ा प्रेशर रिलीज हुआ, इस ओवर में एक और चौका आ गया, थोड़ा सा प्रेशर और रिलीज हो जाएगा यहाँ पे। 25 बॉल 31 रन चाहिए, देखते हैं आखिरी गेंद पे क्या होता है। अच्छी गेंदबाजी हुई है यहाँ पे अभी तक तो, ये बड़ा शॉट खेला है, फील्डर नीचे आ जाएंगे नहीं, जब तक आएंगे तब तक जो है एक सिंगल ही मिलेगा बस। 24 बॉल 30 रनों की जरूरत है यहाँ पे, पूरे ओवर बाउंसर डाली उसने, अंपायर अब जाएगा। रयान पराग है स्ट्राइक पे, देखते हैं क्या होता है इस बॉल पे। कृष्णप्पा गौतम अच्छी गेंदबाजी करी है अभी तक, यहाँ पे जो है 2 रन के लिए जो है पुश कर दिया है, आराम से जो है मिल भी जाना चाहिए, डायरेक्ट हिट होगी तो दिक्कत होगी, लेकिन बच गए, इतना रिस्क तो उठाना पड़ेगा इस टाइम पे, इतना रिस्क उठाना बनता है। अगली गेंद इसी के साथ रवि बिश्नोई, रयान पराग अच्छा शॉट खेला था पिछले ओवर में, और यहाँ पे वाइड बॉल हो जाएगी और मदद ही करेगी ये, अरे भाई वाइड नहीं थी यार, हद है यार, इतनी दूर बॉल डाली, हद है यार, हद इस गेम की जो है ना, हद ही है सही में। बढ़िया शॉट खेला है, हवा में बॉल थी, एक बाउंस और सीधा फील्डर के हाथ में, स्ट्राइक पे आ जाएंगे संजू सैमसन, 5 रन पे आउट होने वाले थे, यहाँ पे जो है 50 पे खेल रहे हैं इस समय, बॉल डालेंगे रवि बिश्नोई। अगली गेंद इसी के साथ सीधा वहां पे फील्डर के पास, बॉल पुश करती है, डायरेक्ट हिट दिक्कत करती, लेकिन सिंगल मिल गया और 50 रन पूरे हो गए संजू सैमसन के इसी के साथ। 36 बॉल में 50 रन की बढ़िया पारी, यहाँ पे अभी भी जो है लीड कर रहे हैं टीम को। स्ट्राइक पे है रयान पराग, क्या एक बड़ा शॉट के लिए जाएंगे, जी नहीं, जाना चाहते थे लेकिन टाइम नहीं कर पाए, सिंगल मिलेगा, एक बड़े शॉट की जरूरत यहाँ पे, 19 बॉल 25 रन का मामला चल रहा है, एक बड़ा शॉट लग जाएगा मैच जो है पूरी तरीके से हाथ में आ जाएगा, सीधा डॉट बॉल हो जाएगी यहाँ तो 18 पे 25। The score is now 128 for 4. Change of bowling. कृष्णप्पा गौतम बॉल डालेंगे, स्ट्राइक में है रयान पराग, क्या एक बड़ा शॉट जो है आने वाला है। ये यहाँ जो है 2 रन के लिए पुश किया है, दूसरे के लिए जा भी रहे हैं, रिस्की हो सकता है, डाइव मारेगा जो भी जहाँ पे भी जाएगा, दोनों एंड पे जो है डाइव तो नहीं लगी, एक एंड भी लगी, लेकिन 2 रन आगे पहली बॉल पे, 17 बॉल 23 रन, एक बड़ा शॉट कब लगेगा पता नहीं, स्पिनर्स ने जो है यहाँ पे बड़ा मुश्किल कर रखा है मामला, डॉट बॉल निकाल दी एक और, अच्छी गेंदबाजी होती हुई अभी भी जो है प्रेशर पूरी तरीके से जो है बल्लेबाजों पे, ये मैच अभी भी किसी तरफ भी जा सकता है, और यहाँ पे रन मारने का जो मौका है बिल्कुल भी दे नहीं रहे हैं स्पिनर्स। स्ट्राइक पे आ गए संजू सैमसन, यहाँ पे जरूरत है कि एक बड़ा शॉट जो है देखने को मिले संजू सैमसन की तरफ से, बढ़िया शॉट खेल दिया है ये 6 रनों के लिए, सही टाइम पे आया एकदम शानदार शॉट, ये छक्के से जो है इक्वेशन अब हो जाएगा, 14 बॉल में 16 रन, याद रखिएगा 5 रन पे ड्रॉप हो गए थे संजू सैमसन, और अब जो है 56 पे बैटिंग कर रहे हैं, शानदार शॉट ये। अगली गेंद देखते हैं इसी के साथ,
बढ़िया शॉट खेल दिया, एक ओवर और मेरे ख्याल से ये भी 6 रनों के लिए जाएगा। फील्डर नीचे आ रहा है लेकिन सिर्फ बॉल को देखकर 6 रन के लिए जाते हुए संजू सैमसन ने जो है यहाँ पे छठे गियर पे जो है गाड़ी को जो है मोड़ दिया एकदम। बहुत ही अच्छा शॉट ये, 2 छक्के लगातार और मैच पूरी तरीके से राजस्थान रॉयल्स के हाथ में आ गया है। बढ़िया बैटिंग यहाँ पे, कप्तान ही पारी खेलते हुए संजू सैमसन। अगली गेंद देखते हैं इसी के साथ, 10 रन चाहिए 13 बॉलों में, अब तो मैच पूरी तरीके से हाथ में है। बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, डॉट बॉल, मार्क मोड आए हैं बॉल डालने के लिए। पहली बॉल फेस करेंगे रयान पराग और यहां पे जो है बड़े शॉट ही देखने को मिलेंगे मुझे लगता है। बड़ा शॉट हवा में खेल दिया है, 2 रन के लिए जा रहे हैं और आराम से जो है पूरा भी कर लेंगे। डायरेक्ट हिट दिक्कत में डाल सकती है लेकिन पहुंच गए टाइम पे। अच्छी बैटिंग करी है रयान पराग ने भी आज, 25 बॉल खेली है, 29 रन मारे और टाइम टू टाइम जो है एक आधा बड़ा शॉट जो है खेलने की कोशिश जो है। बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी, लेग बाय हो जाएगा यहाँ पे, एक सिंगल मिल जाएगा लेकिन संजू सैमसन आ जाएंगे स्ट्राइक पे। 50 रनों की पार्टनरशिप भी आ गई इसी के साथ इन दोनों प्लेयर्स के बीच में। अगली गेंद देखते हैं इसी के साथ, स्ट्राइक पे है संजू सैमसन, क्या एक बड़ा शॉट और लगेगा या फिर विकेट गिरेगा, देखने वाली बात होगी। ये जो है उतना टाइम कर नहीं पाए शॉट में, दूसरे के लिए जाएंगे नहीं जाएंगे, सिंगल पे संतुष्ट रहेंगे। टारगेट जो है विद इन रीच है तो रिस्क लेने का कोई मतलब यहाँ पे दिख नहीं रहा है। बड़ा शॉट की ट्राई कर रहे हैं, टाइम हो रहा है तो चला जाएगा, नहीं टाइम होगा तो कुछ नहीं होगा। रयान पराग इसी के साथ स्ट्राइक पे, ये बढ़िया शॉट खेला है लेकिन फील्डर को सीधा कैच दे दिया है। अच्छी बल्लेबाजी करी है अभी तक इन्होंने लेकिन यहाँ पे जो है फील्डर को कैच दे देंगे और यहाँ पे अच्छी पारी समाप्त। यहाँ पे सपोर्टिव रोल जो है अदा किया और उसी की जरूरत थी इस टाइम पे। क्या ये ट्विस्ट हो सकता है मैच में, क्या यहाँ से मैच में जो है कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं हमें, देखते हैं। स्ट्राइक पे रविचंद्रन अश्विन है, 8 बॉल 6 रन, बढ़िया शॉट, ये हवा में शॉट खेल दिया है, फील्डर मौजूद है, दूसरे के लिए जाएंगे क्योंकि मिस फील्ड हो जाएगी और आराम से जो है आखिरी ओवर में। अच्छा एक बॉल और बची है शुरू में, 4 रन चाहिए अब 7 बॉलों में। आखिरी गेंद इस ओवर की रविचंद्रन अश्विन ने आती बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करी, टाइम तो कर नहीं पाए लेकिन यहाँ पे एक बड़ा शॉट, एक बार फिर से कोशिश, स्ट्राइक रखेंगे रविचंद्रन अश्विन सिंगल के साथ आखिरी ओवर में, 3 रन चाहिए। आवेश खान बहुत कम रन दिए इन्होंने अपने ओवरों में अभी तक, देखते हैं क्या यहाँ पे। ये अच्छा शॉट, अच्छा शॉट, अच्छा शॉट, अरे शॉट ही क्या, कुछ भी शॉट नहीं था, एज लगा और सिंगल मिल जाएगा किसी तरह यहाँ पे, लेकिन बहुत ही बेहतरीन बॉल से शुरुआत करी यहाँ पे, चकमे में डाल दिया था वहाँ पे पूरी तरीके से रविचंद्रन अश्विन को। अगली गेंद इसी के साथ आवेश खान, स्ट्राइक पे है संजू सैमसन, अच्छा शॉट खेला है, सिंगल मिल जाएगा आराम से, स्कोर्स लेवल हो चुके हैं और एक सिंगल के साथ जो है राजस्थान रॉयल अपनी जीत जो है दर्ज कर लेगी इस मैच में। अच्छी यहाँ पे बल्लेबाजी करी है संजू सैमसन ने और कप्तानी पारी खेली और उसी के कारण जो है ये मैच जीत भी रही है यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स और छक्के से एंड करेंगे रविचंद्रन अश्विन। बढ़िया शॉट खेला आवेश खान की इस बॉल पे 6 रनों के लिए और मैच जो है इसी के साथ समाप्त हो जाता है। बढ़िया यहाँ पे बल्लेबाजी का नज़ारा देखने को मिला राजस्थान रॉयल्स की तरफ से, गेंदबाजी भी काफ़ी अच्छी करी, आखिरी के 5 ओवर में बहुत कम रन दिए जिसके कारण टारगेट जो है छोटा हो गया। शानदार मैच ऑल इन ऑल, एक बहुत ही बढ़िया मैच, राजस्थान रॉयल्स 5 विकेट से मैच जीता हुआ और एक बढ़िया मैच। और इसी के साथ जो है हम जो है विदा लेते हैं आपसे और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट मैच में, काफी मजा आया इस मैच में।